डैड आपने मॉम से बात की? विक्रम पूछता है। किस बारे में? डैड 35 करोड़, कुकु भाटिया कहते हैं। अरे हाँ, सुन एक आइडिया है मेरे दिमाग में। कुकु भाटिया विक्रम को आइडिया बताते हैं, तभी उन्हें सामने से आती हुई शोभा दिखाई देती है। डैड और कितनी शराब पियेंगे? विक्रम कहता है। पीने दे पुत्तर। डैड, बिजनेस में तो उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, अगर लॉस हो गया है तो उसे रिकवर भी तो कर सकते हैं ना। पुत्र, 35 करोड़ का लॉस है, उसे रिकवर करते करते ना हम सड़क पर आ जाएंगे। शोभा कहते हैं, 35 करोड़? मॉम आप कब आई? 35 करोड़ का लॉस हुआ है? शोभा कहते हैं। शोभा तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा, कुकु भाटिया कहते हैं। पर इतना बड़ा नुकसान हुआ कैसे? मॉम, एक डीलर के जरिए ना हमने एक लैंड खरीदा था 80 करोड़ में। बाद में पता चला कि उस जमीन के नीचे दलदल है और उस जमीन पर अब होटल नहीं बन सकता। डीलर सारे पैसे लेकर भाग गया है। डैड ने ये डील की थी तो सोनिया ने सारा ब्लेम डैड और मुझ पर डाल दिया। सोनिया और अंकल हमसे अब 35 करोड़ मांग रहे हैं, वो भी 2 दिन में। अब आप बताओ मॉम कि इसमें हमारी क्या गलती है? चुप करना लायक, अपनी माँ को इस बारे में बताने की क्या जरूरत थी? कुकु भाटिया कहते हैं। पर इस सब में आपकी तो कोई गलती नहीं है, तो सोनिया और भाई साहब आपको इस सब के लिए कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? शोभा कहती है। शोभा, मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन में हम सिर्फ 35% के शेयर होल्डर हैं और वो लोग 65% के। अगर कोई लॉस होता है तो वो हमारे हिस्से ही आता है, कुकु भाटिया कहते हैं। पर भाई साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उनसे बात करती हूँ, शोभा कहती है। नहीं, कुकु भाटिया और विक्रम एक साथ कहते हैं। शोभा तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा, कुकु भाटिया कहते हैं। मैं लंच लगवाती हूँ, आप दोनों आ जाइए, शोभा कहती है। शोभा कहकर चली जाती है। कुकु भाटिया और विक्रम दोनों खुशी से हाथ मिलाते हैं। तेरी माँ कितनी भोली है ना, कुकु भाटिया कहते हैं। वो भोली नहीं है, बल्कि आप कमीने हो, विक्रम कहता है। अपने बाप को गाली दे रहा है, कुकु भाटिया कहते हैं। नहीं डैड, मैंने तो आपकी तारीफ की, विक्रम कहता है। चुप कर नालायक, अब चल, प्लान की अगली स्टेप का वक्त आ गया है। दोनों खाने की टेबल के आसपास, दोनों खाने की टेबल के पास आते हैं और बैठ जाते हैं। शोभा खाना सर्व करती है। कुकु जी क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? खाना खाइए ना, शोभा कहती है। मुझे भूख नहीं है, तुम और विक्की खा लो, कुकु भाटिया कहते हैं। अगर आप कहो तो मैं भैया से बात करूं, शोभा कहती है। बिल्कुल नहीं, बलराज भाई साहब से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है, हम खुद सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सोनिया हमें जेल भेज देगी और क्या, विक्की को तो ऑफिस से निकाल ही दिया है। कुकु भाटिया उठकर चले जाते हैं। देखा मॉम, डैड कितने अपसेट हैं, अब आपको और मुझे ही कुछ करना पड़ेगा जिससे डैड की हेल्प भी हो जाए और उनके स्वाभिमान को चोट भी ना आए। तुम ठीक बोल रहे हो। शाम हो चुकी है, पिंकी और चांदनी घर पहुंच चुकी हैं। बाय पिंकी, चांदनी कहती है। बाय। चांदनी अपने घर आती है और दरवाजे पर लॉक लगा हुआ होता है। ये सब कहाँ चले गए? चांदनी पिंकी के घर आती है, उसके घर में आते ही पिंकी से टकरा जाती है। पिंकी, हमारी फैमिली आज साथ में, चांदनी कहती है। चांदनी, कुछ तो हुआ है, पिंकी कहती है। मामी आप भी यहाँ हो, फिर तो पक्का कुछ हुआ है, कल तुम दोनों की प्रशांत से कुछ बात हुई थी, विशाल पूछता है। नहीं, राजीव भी आता है। देखा दादी, मैंने कहा था ना आपसे कि ये दोनों ऐसा कभी नहीं कर सकती, प्रशांत की माँ को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, विशाल कहता है। कोई गलतफहमी नहीं हुई उन्हें, इन दोनों का चेहरा देख, इनका चेहरा खुद बता रहा है कि कल जो कुछ भी हुआ ना इन दोनों का ही किया धरा है, सावित्री कहती है। पिंकी, तुमने प्रशांत से कहा कि वो शादी के लिए ना बोल दे? पिंकी कुछ नहीं बोलती। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, इसका मतलब प्रशांत की माँ सच बोल रही है, विशाल कहता है। चांदनी नीची नजरें करके बोलती है। विशाल, पिंकी ने कुछ नहीं किया, वो मैंने प्रशांत से कहा था कि वो शादी के लिए ना बोल दे। व्हाट? पर क्यों, क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा करने की? वो ऐसा क्यों किया चांदनी, सुमन पूछती है। वो मैं आपको नहीं बता सकती, सावित्री चांदनी को थप्पड़ मार देती है। सब लोग खड़े हो जाते हैं। चांदनी रोने लगती है। हमारे परिवार की इतनी बेइज्जती हुई कल, और तुम अपने किए की वजह भी नहीं बताओगी, सावित्री कहती है। बीजी, सुमन कहती है।
विशाल चांदनी को संभालते हुए कहता है, आपको चांदनी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। राजीव पिंकी के पास आकर धीरे से कहता है, पिंकी सबको सच बताओ, अगर आज सच नहीं बोलोगी तो फिर कभी नहीं बोल पाओगी। तुम्हारे लिए चांदनी सबकी सुन रही है, सच बोलो पिंकी। सावित्री, पिंकी अगर चांदनी ने ऐसा किया है तो इसमें तेरी मर्जी भी शामिल होगी, मैं कुछ पूछ रही हूं तुझसे। सावित्री कहती है, दादी जो कुछ किया मैंने किया, मुझे लगा पिंकी अभी शादी नहीं करना चाहती इसीलिए मैंने ये सब किया। चांदनी कहती है, देखा मनोरमा, इसलिए मैं इस लड़की के खिलाफ हूं। इस लड़की का मनहूस साया अब हमारी पिंकी की खुशियों पर पड़ने लगा है। सावित्री कहती है, बीजी खबरदार जो मेरी बच्ची को मनहूस कहा आपने। सुमन कहती है, तुम्हारे चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा सुमन, चल चांदनी यहां से। सुमन कहती है, सुमन चांदनी का हाथ पकड़कर उसे वहां से घर ले आती है। यह आपने ठीक नहीं किया दादी। विशाल कहता है, ठीक तो मैं अब करूंगी, प्रशांत एक अच्छा लड़का है और मैंने पिंकी की शादी पक्की कर दी। परसों वो लोग आ रहे हैं, पिंकी के रोके की तैयारी करो। बिना पिंकी की मर्जी के ये शादी नहीं होने दूंगा मैं, विशाल कहता है, पर इस घर की बड़ी होने के नाते मैंने भी ये फैसला कर लिया है कि पिंकी की शादी प्रशांत से ही होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, और अगर किसी ने भी मेरे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो वो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। माँ, रमेश कहते हैं। सावित्री अपने कमरे में चली जाती है, रमेश और मनोरमा भी उसके पीछे जाते हैं, पिंकी भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। विशाल को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। राजीव परेशान है कि वो विशाल को सच बताए या पिंकी के बोलने का इंतजार करे। सुमन चांदनी से कहती है, चांदनी मेरी बात सुन, तुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की, देखा सब कुछ तेरे ऊपर आ गया। चांदनी कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं पूछूंगी, जब दिल करे तब बता देना, पर रोना तो बंद कर। मामी मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो प्लीज, चांदनी कहती है। ठीक है, सुमन कहती है। सुमन चली जाती है और पिंकी का फोन आता है। आई एम सॉरी चांदनी, मेरी वजह से दादी ने तुझे, पिंकी चांदनी से कहती है। शट अप पिंकी, तुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो आदत है दादी से ये सब सुनने की। तो ये सब छोड़, ये सोच कि इस नई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, चांदनी पिंकी से कहती है। चांदनी परसों मेरा रोका है प्रशांत से। व्हाट? पर वो प्रशांत, उसे तो सब पता है ना, फिर वो कैसे मान गया, चांदनी कहती है। पता नहीं, तू चिंता मत कर, अभी 48 घंटे हैं हमारे पास, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा, चांदनी पिंकी से कहती है। मैं फोन रखती हूँ, पिंकी कहती है। बाय, टेक केयर, चांदनी पिंकी से कहती है। बाय। चांदनी के फोन रखते ही उसे सामने खड़ा विशाल दिखाई देता है। विशाल तुम? चांदनी कहती है। अब सच बताओगी मुझे, बात क्या है, विशाल कहता है। चांदनी घबरा कर कहती है, कोई बात नहीं है। चांदनी बात क्या है, क्यों किया ये सब, विशाल चांदनी से पूछता है। चांदनी मुस्कुरा कर कहती है, कुछ बात नहीं है सच, और मैंने बताया तो था कि मुझे लगा पिंकी ये शादी नहीं करना चाहती। सच बोल रहे हो, विशाल चांदनी से पूछता है। हाँ, फोन पर किससे बात कर रही थी, विशाल पूछता है। अरे वो मेरी एक फ्रेंड से, चांदनी कहती है। झूठ बोल रही है ना, वो भी मुझसे, दादी ने तुझे इतना सुनाया, तुझ पर हाथ भी उठाया और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत अजीब है। तू चाहे लाख छुपा, पर कुछ बात तो जरूर है जो तू मुझसे छुपा रही है, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तू मुझसे कुछ छुपा रही है तो उसकी भी वजह जरूर होगी। मैं जाकर पिंकी से ही पूछता हूँ। राजीव पिंकी को लेकर वहां आ जाता है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है विशाल, पिंकी खुद तुम्हें सच बताएगी, राजीव कहता है। ओ, तो सच में कुछ बात है जो तुम तीनों जानते हो पर मैं नहीं, विशाल कहता है। मैं और चांदनी चाहते थे कि पिंकी तुम्हें खुद सच बताए, बस इसलिए चुप थे, बोलो पिंकी, राजीव कहता है। भैया 2 साल पहले मैं अपनी फ्रेंड के साथ दिल्ली गई थी, आप जानते हो आंटी की तबीयत खराब होने की वजह से चांदनी मेरे साथ नहीं गई थी, पिंकी कहती है। हाँ याद है मुझे, वहां मैं पहली बार समीर से मिली थी, वो भी मेरी तरह कॉलेज ग्रुप के साथ आए थे, हम सब 1 हफ्ते से एक साथ थे, इस 1 हफ्ते में मैं और समीर बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। वापस मुंबई आने के बाद फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए हम टच में रहे,
मुझे नहीं पता मैं कब उनसे प्यार प्यार करने लगी और वो मुझसे। वो मुंबई आते रहते हैं बिजनेस के सिलसिले में, बहुत अच्छे इंसान है वो भैया। विशाल गुस्से से जाने लगता है। पिंकी विशाल का हाथ पकड़कर उसे रोकती है। भैया प्लीज बस एक बार उनसे मिल लीजिए, यो बिना कुछ बोले ऐसे मत जाइए। विशाल बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। प्लीज विशाल बस एक बार उसकी बात सुन लो, चांदनी कहती है। विशाल गुस्से से कहता है, तू तो मुझसे बात ही मत करना चांदनी, और तू पिंकी मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि तू किसी से प्यार करती है, तकलीफ इस बात की है कि तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, और अगर आज इतना सब नहीं होता तो शायद आज भी तुम मुझसे कुछ नहीं बताने वाले थे। बड़ी अजीब बात है कि मेरी बहनों को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। नहीं भैया वो बात नहीं है, मैं बस सही समय का इंतजार कर रही थी, पिंकी कहती है। अच्छा, और वो सही समय कब आने वाला था, जब तेरा रोका प्रशांत से हो जाता, या फिर आज जब दादी ने ये कहा कि 2 दिन बाद तुम्हारी सगाई है तो तुम दोनों ने ये सोचा कि अब तो कोई रास्ता भी नहीं बचा, इसलिए विशाल को सब बता देना चाहिए, है ना, विशाल कहता है। पिंकी विशाल के सीने से लगकर रोते हुए कहने लगती है, आई एम सॉरी भैया, अगर मुझे बता देती तो ये सब नहीं होता ना, मैं अपनी तरीके से सब संभाल लेता। अब क्या करेंगे हम, कैसे दादी को समझाएंगे, विशाल कहता है। कुछ तो करना पड़ेगा विशाल, राजीव कहता है। तू रोना बंद कर, मैं कुछ सोचता हूँ, मुझे लगता है हमें दादी को भी बता देना चाहिए, चांदनी कहती है। नहीं चांदनी, दादी को सच बताने के लिए समीर का यहाँ होना बहुत जरूरी है, हमें समीर का वेट करना होगा, राजीव कहता है। तू ठीक बोल रहा है राजीव, विशाल कहता है। पर विशाल समीर भी 2 दिन बाद ही इंडिया आ पाएंगे, चांदनी कहती है। मैंने तुझे अभी कहा था कि मुझसे बात मत करना, विशाल कहता है। अरे पर मैंने क्या किया? क्या किया? पिंकी बहन है मेरी, इसलिए समझ सकता हूँ कि वो कुछ नहीं बता पाई, पर तू तो मुझे सब कुछ बता सकती थी ना, विशाल कहता है। आई एम सॉरी विशाल, मुझे पिंकी ने कसम दी थी इसलिए चुप थी, वरना तुम जानते हो कि मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाती। मैं इस बात के लिए बहुत नाराज हूँ तुम दोनों से, विशाल कहता है और चला जाता है। देखा, तेरी वजह से ना विशाल मुझसे नाराज हो गया, अब कैसे मनाऊं उसे, चांदनी कहती है। पिंकी उदास होकर, अगर ये रोका हो गया तो? नहीं होगा, हम दोनों विशाल को अच्छे से जानते हैं, वो ये सगाई नहीं होने देगा, और तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, अब जा जाकर सो जा, चांदनी कहती है। गुड नाइट। गुड नाइट पिंकी। चांदनी क्या तुम समीर से मिली हो, राजीव पूछता है। नहीं। तुम्हें लगता है कि समीर पिंकी के लिए सही लड़का है, राजीव पूछता है। हाँ, क्योंकि उसे पिंकी ने चुना है और मैं पिंकी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसकी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती, राजीव मुस्कुराते हुए कहता है। फिर तो मुझे भी विशाल की हेल्प करनी होगी, मैं भी चलता हूँ, गुड नाइट। राजीव आज मैं और पिंकी लंच के लिए आपका वेट कर रहे थे, पर आप नहीं आए, क्यों, चांदनी पूछती है। सोनिया मैम मुझे अपने साथ एक मीटिंग के लिए ले गई थी, जल्दी जल्दी में, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, आई एम सॉरी, राजीव कहता है। चांदनी मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं जाऊं, राजीव पूछता है। जाइए, राजीव जाने लगता है। सुनिए, गुड नाइट, राजीव पलट कर कहता है। गुड नाइट। राजीव अपना फोन वहीं भूलकर चला जाता है। राजीव के जाते ही उसके फोन की बेल बजती है, राजीव की माँ का फोन होता है। हेलो, चांदनी कहती है। हेलो राजू। आंटी राजीव अपना फोन यहीं भूल गए, आप होल्ड करिए, मैं फोन उनके पास ले जाती हूँ, चांदनी कहती है। तुम कौन हो बेटी, राधा पूछती है। चांदनी चलते चलते बात करती है। मैं चांदनी, हम विशाल के सामने वाले घर में रहते हैं, राधा सोच में पड़ जाती है। बहुत प्यारा नाम है। थैंक यू आंटी। आंटी एक बात कहूँ आपसे, चांदनी कहती है। बोलो बेटा। आपका बेटा बहुत अच्छा इंसान है, चांदनी कहती है। राधा मुस्कुराकर जवाब देती है। अच्छा जी, बस थोड़ा कम बोलते हैं पर दिल के साफ है और आपसे बहुत प्यार करते हैं। जानती हूँ बेटा, राधा कहती है। आंटी आप उनसे कहिए ना कि मुझ पर थोड़ा कम गुस्सा करें, चांदनी कहती है। राजू तुम पर गुस्सा करता है, राधा पूछती है। और नहीं तो क्या, अब आपको क्या बताऊं आंटी, गुस्सा तो उनकी नाक पर सजा रहता है, और अगर मुझसे अनजाने में भी गलती हो जाए ना तो सारा गुस्सा मुझ पर फूट जाता है, और हंसते ऐसे हैं जैसे सरकार ने हंसने पर टैक्स लगा दिया हो।
थोड़ा हंस लेंगे तो उनकी दौलत थोड़ी लुट जाएगी। आप जानती हैं ना, गुस्सा करने से सेहत खराब हो जाती है। ठीक कह रही हो बेटा, कभी कभी तो वो मुझ पर भी गुस्सा करता है, राधा कहती है। क्या आप पर भी गुस्सा करते हैं? आंटी आप फिक्र मत करो, मैं उन्हें समझाऊंगी, अब वो आप पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे। राजीव अपना फोन लेने आता है, चांदनी उसे बाहर ही देख लेते हैं। आंटी राजीव आ गए, चांदनी राजीव को फोन देते हुए कहते हैं। आपकी माँ का फोन है। माँ मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, राजीव फोन काट देता है। मैं आपको फोन देने आ रही थी, चांदनी कहती है। राजीव बिना कुछ बोले चला जाता है। बाप रे, ये इंसान है या ज्वालामुखी, पता भी नहीं चलता और फट जाता है। राजीव चला जाता है, चांदनी भी अपने कमरे में चली जाती है। राजीव रूम में आकर राधा को फोन करता है। राजीव फोन पर बात करते हुए, हेलो माँ। राजू आप ठीक हो ना माँ, राजीव पूछता है। मैं ठीक हूँ बेटा, कैसा रहा आज का तेरा दिन, राधा कहती है। बहुत अच्छा, ऑफिस में सबको मेरा काम पसंद आ रहा है। माँ बाप जल्दी मेरे पास आ जाओगी, राजीव कहता है। बहुत दिन हो गए बेटा तुझे देखे हुए, राधा कहती है। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है, राजीव कहता है। अच्छा ये सब छोड़, ये बता तू चांदनी पर हर वक्त गुस्सा क्यों करता है, राधा पूछती है। जी ये सब आपसे इस लड़की ने कहा, राजीव कहता है। हाँ तो क्या हुआ, उसने सच ही तो कहा, गुस्सा तो हमेशा तेरी नाक पर ही रहता है, वैसे बहुत प्यारी लड़की है। माँ मैं फोन रखता हूँ, राजीव कहता है। अरे राजू मेरी बात तो सुन, काट दिया। राजीव खिड़की की तरफ देखता है तो सामने चांदनी नजर आती है। चांदनी उसे देखकर स्माइल करती है। राजीव खिड़की बंद कर लेता है। चांदनी गुस्से से, ये सच में बहुत बुरे हैं। अगली सुबह चांदनी और पिंकी ऑफिस पहुंचती हैं। ऑफिस पहुंचकर चांदनी प्रशांत को फोन करती है। हेलो, प्रशांत कहता है। क्या हेलो, पिंकी और मैंने आपको सब बताया था ना, फिर भी आपने इस रोके के लिए हाँ बोल दिया और दादी को भी सब कुछ बता दिया, क्यों? चांदनी जी मेरी बात तो सुनिए, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और ना ही मैंने रोके के लिए हाँ बोला है, प्रशांत कहता है। आपकी माँ ने दादी को सब बताया है तो जाहिर सी बात है कि आपने ही उन्हें सब बताया होगा। वैसे तो बड़े महान बन रहे थे आप, अब क्या हुआ आपकी महानता को, चांदनी कहती है। मेरी बात सुनिए चांदनी जी, आपके घर से जब हम वापस आए तो मेरे डैड और माँ ने मुझे बहुत डांटा और मुझसे इस रिश्ते के लिए ना बोलने की वजह पूछी। मेरी माँ ने मुझे अपनी कसम दे दी तो मैं क्या करता, मैंने उन्हें बस ये कहा कि पिंकी अभी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने मना कर दिया। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि पिंकी किसी और से प्यार करती है। कल सुबह आपकी दादी मेरी माँ को मंदिर में मिल गई और उन्होंने दादी को सच बता दिया। आप मेरा विश्वास करो, मैं खुद क्यों किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहूंगा जो किसी और से प्यार करती है। पर अब हम तो मुश्किल में फंस गए ना, चांदनी कहती है। मैं खुद ही रोका नहीं रोक पाऊंगा, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं आपके और पिंकी के साथ हूँ, प्रशांत कहता है। ठीक है थैंक्स, मैं फोन रखती हूँ, चांदनी कहती है। बाय, प्रशांत कहता है। चांदनी फोन रखती है। पिंकी अब हमें ही कुछ करना होगा, तूने समीर से बात की, चांदनी कहती है। नहीं नहीं पर क्यों, चांदनी पूछती है। क्या बताऊं उन्हें कि परसों मेरा रोका है, आप जरूर आइएगा। आइडिया बुरा नहीं है, चांदनी कहती है। पिंकी चौंक कर, क्या? चांदनी हंसते हुए पिंकी से कहती है, सोच कितना मजा आएगा, तेरे रोके की रस्म चल रही हो, सब खुशी से नाच रहे हो, प्रशांत तुझे अंगूठी पहनाने वाला हो और समीर आ जाए। आकर बोले, ये सगाई नहीं हो सकती, पिंकी सिर्फ मेरी है। और फिर दादी अपने रौद्र रूप में आ जाएं और बोले, पिंकी की शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगी, प्रशांत बेटा पहना तो पिंकी को अंगूठी। और फिर तो उठकर भागती हुई समीर के पास आकर बोले, मुझे यहां से ले चलो समीर, मुझे यहां से ले चलो, पिंकी रोते हुए चांदनी से कहते हैं। तुझे ये सब मजाक लग रहा है ना चांदनी, मजा आ रहा है ना तुझे, जब तुझे किसी से प्यार होगा और भगवान ना करें कभी तुझ पर ये सब बीते, तब शायद तुझे पता चलेगा कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ, चांदनी पिंकी के पास बैठकर कहते हैं। आई एम सॉरी पिंकी, मैं बस तुझे हंसाने की कोशिश कर रही थी। मैं मानती हूँ कि मैं तेरा दर्द शायद ना समझ पाऊँ, पर पिंकी तू मेरी दोस्त है, तेरी आँख से एक आंसू भी गिरता है तो मुझे तकलीफ होती है, मैं बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ, मेरी मुस्कुराती हुई पिंकी चाहती हूँ,
इसलिए ये सब किया मैंने, मुझे माफ कर दे प्लीज। पिंकी चांदनी के गले लगकर रोने लगती है और चांदनी भी। चांदनी पिंकी के आंसू पोंछते हुए कहती है, आज मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, मेरे रहते हुए तुझे तेरे समीर से कोई अलग नहीं कर सकता, दादी भी नहीं। तुम दोनों को मिलाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी, अगर घर वालों के खिलाफ भी जाना पड़ा ना तो मैं जाऊंगी। दूसरी ओर शोभा खुराना कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में जाती है, मुंबई की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस जो मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। हर चीज आलीशान, हर कैबिन की सुंदरता बस देखते ही बनती थी। 20 मंजिला बिल्डिंग में फैला हुआ है खुराना कंस्ट्रक्शन का ऑफिस। बेसमेंट में ढेरों कारें खड़ी हुई हैं। शोभा अपनी कार से उतरकर ऑफिस के अंदर जाती है। उसे देखकर ऑफिस का स्टाफ गुड मॉर्निंग मैडम कहने लगता है। शोभा सीधे बलराज खुराना के कैबिन में जाती है। गुड मॉर्निंग भैया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, शोभा कहते हैं। बलराज खुशी से कहता है, शोभा तुम्हें अंदर आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, मेरी भी, आओ। शोभा मुस्कुराते हुए कहती है, जानती हूँ, माँ कैसी है? बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ तुम ठीक हो, बलराज कहते हैं। शोभा टेबल से एक तस्वीर उठाते हुए कहती है, मैं भी ठीक हूँ, आप आज भी भाभी को बहुत प्यार करते हैं ना? याद तो नहीं किया जाता है जिन्हें हम भूल गए हों, बलराज कहते हैं। आपने सारी जिंदगी अकेले ही काट दी, खुद को किस बात की सजा दे रहे हो भैया, शोभा बलराज से पूछती है। सजा नहीं दे रहा हूँ शोभा, बस जी रहा हूँ। पर आपकी कोई गलती नहीं थी, शोभा कहते हैं। गलती कैसे नहीं थी शोभा, गांव की एक भोली भाली लड़की से प्यार के ढेरों वादे किए मैंने, उसे सपने दिखाए, उससे शादी की और उसे छोड़कर यहाँ चला आया, शोभा कहती है। भैया बाऊजी की तबीयत खराब होने की वजह से आपको आना पड़ा था, और फिर आप वापस भी तो गए थे ना भाभी को लाने। पर कब, 2 महीने बाद, बलराज कहते हैं। जानती हूँ भैया, बाऊजी के यूं अचानक गुजर जाने से हमारे डूबते हुए बिजनेस की सारी जिम्मेदारी आप पर आ गई थी, इस वजह से आप भाभी के पास नहीं पहुंच पाए। पर आपने भाभी को चिट्ठी लिखकर सब बताया था, अगर वो चिट्ठी भाभी तक नहीं पहुंची तो उसमें आपकी क्या गलती थी, शोभा कहते हैं। गलती किसी की भी हो पर सजा तो मुझे मिली, 2 महीने बाद जब मैं और माँ तुम्हारी भाभी को लेने पहुंचे तब तक सब खत्म हो चुका था। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और दुनिया के तानों से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली और मैं कुछ नहीं कर पाया, बलराज आंसू पोंछते हुए कहने लगे। काश उस वक्त मोबाइल फोन होते तो शायद आज मेरी बीवी और बच्चा दोनों मेरे साथ होते और सब कुछ होने के बाद भी मैं यूं अकेला खड़ा ना होता। किसने कहा आपसे कि आप अकेले हैं पापा, आपका ये बेटा हमेशा आपके साथ है और मेरे होते हुए आप खुद को अकेला कैसे कह सकते हो, रौनित कहने लगता है। रौनित, शोभा कहते हैं। रौनित शोभा के गले लगते हुए, बुआ कैसी हो आप? मैं ठीक हूं, तू बता, विक्की के बर्थडे पर तू कहाँ था? बुआ आप जानते हो ना, मैं 3 साल बाद अपनी पढ़ाई खत्म करके इंडिया लौटा हूँ, तो सोचा कि क्यों ना भारत भ्रमण किया जाए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ गुलमर्ग गया था, मैंने विक्की भाई को फोन पर बर्थडे विश किया था, रौनित कहता है। रौनित के आने से हमारे घर की रौनक लौट आई। वैसे शोभा मैं सोच रहा था कि रौनित के वापस आने की खुशी में क्यों ना एक शानदार पार्टी दी जाए, और वैसे भी देव और परमिंदर भी इसी हफ्ते इंडिया वापस आने वाले हैं, बलराज कहते हैं। क्या मॉम डैड भी वापस आ रहे हैं, वाओ, रौनित कहता है। फिर तो पार्टी बनती है भैया, इस बहाने सारी फैमिली एक साथ होगी, शोभा कहते हैं। तो ठीक है, सबके आधे पार्टी थ्रू की जाएगी, बलराज कहते हैं। वैसे फैमिली से याद आया, हमारी निशा कहाँ है, काफी दिनों से उसे देखा नहीं, कॉलेज में होगी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही होगी, राइट पापा, रौनित का फोन बजने लगता है। सॉरी गाइस, रौनित को जाना होगा, शोभा के गले लगते हुए वो बाय बोलता है। शोभा बाय, बाय पापा, रौनित कहता है। बाय बेटा, बलराज कहते हैं। मैं आप दोनों के लिए चाय भिजवाता हूँ, कॉफी तो आप दोनों नहीं पीते, रौनित कहता है। शोभा बैठते हुए कहते हैं, रौनित ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहा है? उसे कुछ दिनों का ब्रेक चाहिए, पढ़ाई कर करके बोर हो गया है, अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता है, इसलिए फिलहाल वो ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहता। सच कहूँ तो मैं भी नहीं चाहता कि वो अभी ज्वाइन करे, सारी जिंदगी पड़ी है काम के लिए, अभी तो जिंदगी जीने का वक्त है। वैसे तुम कहो, घर पर नहीं ऑफिस मिलने आई हो तो जरूर कोई बात होगी,
जी भैया, कुछ बात करने ही आई हूँ। शोभा बोलते बोलते रुक जाती है। तुम जानती हो ना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है, बलराज कहते हैं। भैया आप जानते हो ना कि वो मल्होत्रा भाई साहब के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, शोभा कहते हैं। हाँ, अनजाने में इनसे और विक्की से बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सोनिया और मल्होत्रा भाई साहब ने इन्हें धमकी दी है कि अगर इन्होंने उस नुकसान की भरपाई नहीं की तो वो उन्हें जेल भिजवा देंगे। एक डीलर ने धोखे से गलत जमीन इन्हें दे दी थी, पर कितने का नुकसान हुआ है, बलराज पूछते हैं। 35 करोड़। वॉट? भैया इनकी कोई गलती नहीं है, जो हुआ उस डीलर की वजह से हुआ, वो जल्दी पैसे लौटा देंगे, शोभा कहते हैं। बलराज चेक साइन करके शोभा को देते हुए कहते हैं। मैंने कुछ नहीं पूछा शोभा। थैंक्स भैया, एक बार फिर आपने उन्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया, शोभा कहते हैं। थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है शोभा, माँ तुम्हें और विक्की को बहुत याद कर रहे हैं, तो घर आ जाना, बलराज कहते हैं। जी भैया मैं चलती हूँ, शोभा कहते हैं। अरे चाय तो पी लो। ओ हाँ, दोनों चाय पीते हैं। मैं बहुत जल्दी आपसे और माँ से मिलने घर आऊँगी, चलती हूँ, बाय। अपना ख्याल रखना, बलराज कहते हैं। शोभा चली जाती है। बलराज को राणा कुछ देर ऐसे ही सोचते रहते हैं और फिर फोन करते हैं। हेलो विशाल, मेरे कैबिन में आओ अभी, बलराज कहते हैं। जी सर, विशाल कैबिन में आता है। विशाल जरा पता करो, कुकु भाटिया को 35 करोड़ का लॉस आखिर हुआ कैसे? क्या नई बेईमानी कर रहे हैं दोनों बाप बेटे आजकल, बलराज कहता है। जी सर। सर हम हॉस्पिटल का काम कब से स्टार्ट कर रहे हैं, विशाल पूछता है। बहुत जल्द। विशाल, मुझ पर हमला करने वाले का कुछ पता चला, बलराज पूछते हैं। आज सुबह ही मेरी बात कमिश्नर साहब से हुई थी, अभी तक हमलावर का कुछ पता नहीं चला। ठीक है तुम जाओ, विशाल चला जाता है। राजीव चांदनी के कैबिन में आता है। राजीव आइए ना, चांदनी कहते हैं। चांदनी, लोनावला वाले प्रोजेक्ट की बजट फाइल तुम्हारे पास है, राजीव पूछता है। हाँ एक मिनट, चांदनी फाइल सर्च करती है। कहाँ चली गई, रखी तो यहीं थी, मिल गई, ये लीजिए। थैंक्स, राजीव जाते जाते रुक कर पलटता है। चांदनी, पिंकी की मदद करने के लिए ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें, पिंकी को और तुम दोनों की फैमिली को शर्मिंदा होना पड़े, समझी? चांदनी हैरानी से, आपने? राजीव कहता है। सब सुना मैंने, विशाल कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, तुम प्लीज कुछ मत करना, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, समझी? और हाँ, अगली बार मेरी माँ से मेरी शिकायत करने से पहले मुझसे कह देना, मैं खुद उन्हें सब बता दूंगा, तुम्हें शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, चांदनी कहती है। राजीव चला जाता है। बाप रे, कितना खतरनाक इंसान है, पता नहीं इनकी माँ इन्हें कैसे झेलती है। चांदनी फाइल लेकर सोनिया के कैबिन में जाती है। मैम ये फाइल्स आपने मांगी थी, चांदनी कहती है। ठीक है चांदनी, सुबह मैंने तुम्हें एक लेटर डिक्टेट किया था, वो लेटर भिजवा दिया तुमने, सोनिया पूछती है। यस मैम, चांदनी कहती है। ठीक है तुम जाओ, सोनिया कहती है। सोनिया के कैबिन से बाहर निकलते ही सिकंदर चांदनी से टकरा जाता है। देखकर चला कीजिए सिकंदर जी, अभी मैं गिर जाती तो, चांदनी कहती है। तो मैं तुम्हें पकड़ लेता, सिकंदर कहता है। सिकंदर जी क्या मैं अपना काम करूं, राजीव वहां आ जाता है। सिकंदर कहता है, जरूर। हे राजीव, व्हाट्स अप डूड, तुमने तो सोनिया पर जादू कर दिया है, हर वक्त तुम्हारी ही तारीफ करती रहती है, तुम्हारे काम की। मैं भी बस अपना काम ही करता हूं, और वो भी सोच समझ कर, चांदनी की तरफ देखते हुए। जल्दबाजी में मैं कोई काम नहीं करता, आई होप सब मेरी तरह दिमाग से सोच समझ कर काम करें, सिकंदर राजीव को गले लगा कर कहता है। मैं तो तुम्हारा फैन हो गया, मैं सोनिया से कहता हूं मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बना दे। राजीव और चांदनी अभी भी एक दूसरे को घूर रहे हैं। चांदनी गुस्से से कहती है, हर वक्त दिमाग से काम नहीं लिया जाता, कभी कभी दिल की भी सुन लेनी चाहिए, पर कुछ लोगों के पास ना दिल नाम की कोई चीज नहीं होती। गुस्से में चांदनी चली जाती है और राजीव भी सोनिया के कैबिन में चला जाता है। सिकंदर च्युइंगम खाते हुए कहता है, दोनों चले गए, मैं भी चलता हूं।
जाते जाते सिकंदर च्युइंगम निकाल कर फेंक देता है। चांदनी अपने कैबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, हुक्म तो ऐसे सुनाते हैं जैसे कहीं के राजकुमार हैं। मैं ना इनसे कभी नहीं बात करूंगी। ठंड रख चांदनी, ठंड रख। चांदनी अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए अपने फोन पर गाने प्ले करती है और कुर्सी पर आराम से बैठकर आंखें बंद करके रिलैक्स करती है। कुकू भाटी और विक्रम एक बार में शराब के नशे में बार डांसर्स के साथ नाच रहे हैं। गाना बज रहा है, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। कुकू भाटिया का फोन बजता है पर वो नहीं उठाते। कई बार बेल बजती है पर वो नहीं उठाते। गाना खत्म होने के बाद वो फोन देखते हैं। पुत्र जल्दी बाहर आ, तेरी माँ का फोन है। दोनों बाहर आते हैं। कहाँ हैं आप, मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, शोभा पूछती है। कुकू भाटिया दुखी होने की एक्टिंग करते हुए, शोभा बस पैसों का इंतजाम करने में लगा हुआ हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, पैसों का इंतजाम हो गया है, आप घर आ जाइए, शोभा कहते हैं। कुकू भाटिया खुशी से कहते हैं, क्या पैसों का इंतजाम हो गया? विक्रम भी खुश हो जाता है, पर कैसे, कहीं तुमने बलराज भाई साहब से बात तो नहीं की? अरे आप पहले घर आ जाइए, फिर सब बताती हूँ, शोभा कहते हैं। ठीक है हम आते हैं, फोन काटकर दोनों फिर से डांस करने लगते हैं। सोनिया और राजीव चांदनी के कैबिन में आते हैं। चांदनी आराम से म्यूजिक सुन रही है। मिस चांदनी से ना, सोनिया कहते हैं। चांदनी घबरा कर उठते हुए, जी मैम। ये ऑफिस काम करने के लिए है, और अगर तुम्हें आराम करना है वो भी म्यूजिक सुनते हुए, तो तुम घर जा सकती हो, सोनिया कहती है। सॉरी मैम, चांदनी कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। राजीव को हमारे सारे प्रोजेक्ट की फाइल्स हैंडओवर करो, सोनिया कहती है। यस मैम। सोनिया चली जाती है। चांदनी कुर्सी पर बैठकर ठंडी सांस लेती है। उसकी नज़र राजीव पर पड़ती है जो हाथ बांधे खड़ा है और उसे गुस्से से देख रहा है। फाइल्स दोगी या मैं जाऊँ, राजीव कहता है। चांदनी क्यूट सा फेस बनाकर, देती हूँ। चांदनी सारी फाइल्स चेक करने लगती है। 10 मिनट तक वो फाइल्स सर्च करती है। चांदनी जल्दी करो, मुझे सारी फाइल्स स्टडी करनी है, तुम्हारी तरह मैं यहाँ आराम करने नहीं आता, राजीव कहता है। चांदनी गुस्से से सारी फाइल्स टेबल पर पटक देती है। ये लीजिए और काम करिए। राजीव चला जाता है और फाइल्स चेक करता है। सारा काम होने के बाद वो घर के लिए निकलता है। चांदनी भी घर के लिए निकलती है। अचानक उसका पैर च्युइंगम पर पड़ता है और उसकी सैंडल च्युइंगम से चिपक जाती है। वो सैंडल निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से उचक कर कैबिन से बाहर आते हुए राजीव को जाकर लगती है। चांदनी क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, कान्हा जी आपको इतनी बड़ी दुनिया में एक यही मिले हैं, अब क्या करूं? राजीव सैंडल हाथ में लिए चांदनी की तरफ आता है। बदतमीजी की भी ना कोई हद होती है चांदनी, माना कि तुम मुझसे नाराज हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे सैंडल से मारोगे। नहीं राजीव, वो गलती से, चांदनी कहती है। चुप, एकदम चुप, एक भी शब्द मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम, राजीव कहता है। सोनिया वहां जाती है और उसकी सैंडल भी च्युइंगम पर चिपक जाती है। वो सैंडल निकालने की कोशिश करती है, पर बैलेंस ना संभल पाने की वजह से गिर जाती है। राजीव लपक कर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। ये देखकर चांदनी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। संभल कर मैम, आपको चोट तो नहीं लगी, राजीव पूछता है। चांदनी धीरे से कहती है, मुझे तो बदतमीज कहा और सोनिया मैम से, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, वाह। थैंक्स राजीव, मैं ठीक हूं। ये च्युइंगम यहां किसने फेंकी? सोनिया गुस्से से सबकी तरफ देखती है। ये जरूर सिक्की की हरकत होगी, छोड़ूंगी नहीं आज उसे, सोनिया गुस्से से चली जाती है। चांदनी भी अपनी सैंडल हाथ में उठाकर वहां से लड़खड़ाते हुए चली जाती है। कुकू भाटी और विक्रम घर पहुंचते हैं। शोभा खुशी से चेक देते हुए, ये लीजिए। तुम नहीं जानती शोभा कि तुमसे शादी करके मैं खुद को कितना खुशनसीब समझता हूँ, आज तुमने मुझे सड़क पर आने से बचा लिया, कुकू भाटिया कहते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं और आप अलग थोड़ी हैं, शोभा कहते हैं। इस पर तो बलराज भाई साहब के सिग्नेचर है, ये उन्होंने, कुकू भाटिया पूछते हैं। कुकू जी प्लीज आप नाराज मत होना, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, अगर आप हमारा घर बेच देते तो हमारी कितनी बदनामी होती, और फिर मैंने भैया को सच बताया कि कैसे उस डीलर की वजह से आप पर ये मुसीबत आई, उन्होंने तो कोई सवाल भी नहीं किया
और चेक साइन करके दे दिया। भाई साहब से मदद लेना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कुकु भाटिया कहते हैं। अरे इसमें इतना उदास होने की क्या बात है, जब आपके पास पैसे आ जाए तो आप उन्हें लौटा देना, शोभा कहते हैं। मॉम ठीक कह रही है डैड, विक्रम कहता है। मैं आपके लिए चाय नाश्ता ले आती हूँ, कल से आपने ठीक से कुछ खाया भी नहीं है, शोभा कहती है। ठीक है, कुकु भाटिया उदास होकर कहते हैं। शोभा चली जाती है। कुकु भाटिया चेक देखकर मुस्कुराता है। वाह डैड, आपको तो फिल्मों में एज अ विलन होना चाहिए, क्या सुपर परफॉर्मेंस दी है आपने, मजा आ गया, विक्रम कहता है। खुदते अपने डैड को विलन बोल रहा है, शर्म नहीं आती तुझे, कुछ सीख अपने डैड से, नालायक कहीं का, कुकु भाटिया कहते हैं। आप सच में ये चेक सोनिया को दे दोगे, विक्रम कहता है। शट अप बॉय, कल ऑफिस में जाकर एक नया ड्रामा करना पड़ेगा, और फिर तेरी भी तो ऑफिस में री एंट्री करवानी है, कुकु भाटिया कहते हैं। ओ डैड यू आर द बेस्ट, विक्रम अपने डैड को हग करते हुए कहता है। अब चल तेरी माँ चाय लेकर आती होगी, कुकु भाटिया कहते हैं। पिंकी और चांदनी अपनी स्कूटी से घर जा रही हैं। चांदनी अभी भी गुस्से में है, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, चांदनी कहती है। पिंकी कहती है, चांदनी अब बस भी कर, तेरी सैंडल भी तो लगी ना जाकर उन्हें, तो तू माफी मांग लेती। अरे माफी तो तब मांगू ना जब कोई मांगने दे, चांदनी कहती है। अच्छा चल गोलगप्पे खाते हैं, हम दोनों का मूड ठीक हो जाएगा, पिंकी कहती है। चांदनी गुस्से से, नहीं आज मेरा दिमाग बहुत गर्म है। तो ठीक है आइसक्रीम खाते हैं, चल, पिंकी कहती है। दोनों आइसक्रीम खाते हैं। चांदनी दिन भर जो भी हुआ उसी के बारे में सोच रही है, और सोचकर 6 आइसक्रीम खा जाती है। चांदनी क्या करे, सर्दी हो जाएगी तुझे, कोई इतनी आइसक्रीम खाता है क्या, 6 आइसक्रीम खा चुकी है, अब बस कर, पिंकी कहती है। भैया एक और दो, चांदनी कहती है। जी नहीं भैया, नहीं चाहिए, ये लीजिए पैसे, पिंकी कहती है। समीर का फोन लगा, चांदनी पूछती है। कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा है, पिंकी चांदनी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती वहां से घर ले आती है। दूसरी ओर राजीव को बस नहीं मिलती, इसलिए वो ऑटो के लिए सड़क पर आता है। अचानक उसकी नजर तेज रफ्तार से आते ट्रक पर पड़ती है। मोबाइल पर बात करते हुए एक लड़का बीच सड़क पर आ जाता है। राजीव उसे बचाने के लिए भागता है और उस लड़के को बचा लेता है। राजीव के पैर में चोट लग जाती है। राजीव कहता है, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ भाई, आपने तो बचा लिया, वरना तो आज मेरी फोटो पर हार लग ही जाता, रौनित कहता है। सड़क पर मोबाइल पर बात करते टाइम केयरफुल रहना चाहिए, राजीव कहता है। सही कहा आपने, वैसे हाँ आई एम रौनित, अपना हाथ राजीव की तरफ बढ़ाते हुए, रौनित खुराना। राजीव हाथ मिलाते हुए कहता है, हाय राजीव खुराना। खुराना तुम भी, फिर तो हम भाई हुए, रौनित कहता है। जी, राजीव पूछता है, और नहीं तो क्या, तुम भी खुराना मैं भी खुराना, तो हुए ना हम भाई, रौनित कहता है। राजीव मुस्कुराकर, जी, रौनित कहता है, मुस्कुराते हुए स्मार्ट लगते हैं आप। थैंक्स, मैं चलता हूँ, राजीव लड़खड़ाते हुए जाने लगता है, उसे चोट लग गई है। रुकिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, रौनित कहता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, राजीव कहता है। भाई आपको चोट लगी है और वो भी मेरी वजह से, प्लीज चलिए वरना मुझे आज रात भर नींद नहीं आएगी, रौनित कहता है। मतलब, राजीव पूछता है। अरे सारी रात आपके बारे में जो सोचता रहूंगा कि आप ठीक है या नहीं, अगर आप ये चाहते हो कि मैं भी आपकी तरह चैन से सो जाऊं तो फिर चलिए। ठीक है चलो, राजीव कहता है। रौनित राजीव को सहारा देकर गाड़ी में बैठाता है और खुद गाड़ी ड्राइव करता है। वैसे रहते कहाँ हैं आप, रौनित पूछता है। जुहू बीच छोड़ दीजिए, वहां से मैं खुद चला जाऊंगा, राजीव कहता है। ओके, रौनित कुछ दूर जाकर गाड़ी रोक देता है। राजीव, क्या हुआ? गाड़ी से उतरिए, रौनित कहता है। जी, राजीव पूछता है। हाँ उतरिए, रौनित कहता है। राजीव गाड़ी से उतर जाता है और रौनित भी। चलिए, रौनित कहता है। कहाँ? राजीव पूछता है। आपको चोट लगी है, ड्रेसिंग करवाना जरूरी है, रौनित कहता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, राजीव कहता है। आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है भाई, रौनित कहता है। क्या? राजीव पूछता है।
अभी तो मैंने आपको बताया था, नींद, रात, कुछ याद आया? राजीव मुस्कुराते हुए कहता है, चलिए। रौनित राजीव की ड्रेसिंग करवाता है। अच्छा हुआ जो आपने टाइम पर ड्रेसिंग करवा ली, जख्म गहरा है, रात में दर्द बढ़ सकता था। ये कुछ मेडिसिन है, ले लीजिएगा, दर्द नहीं बढ़ेगा, डॉक्टर कहता है। देखा, डॉक्टर भी मेरी तकलीफ समझ गए, रौनित कहता है। आपको क्या तकलीफ है? डॉक्टर पूछता है। ये भाई है मेरे, इन्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी होती है, समझे डॉक्टर साहब, रौनित कहता है। डॉक्टर हंसते हुए, समझ गया। थैंक्स डॉक्टर, ये आपकी फीस, राजीव कहता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जो आपको यहां लाए हैं ये इस हॉस्पिटल के ओनर के बेटे हैं, डॉक्टर कहता है। ये हॉस्पिटल तुम्हारा है? राजीव पूछता है। नहीं, मेरे पापा का है। वो क्या है ना, उन्होंने अभी तक अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की है। डॉक्टर और रौनित हंसने लगते हैं। उन्हें देख राजीव भी मुस्कुराने लगता है। थैंक्स डॉक्टर, रौनित कहता है। इट्स माई ड्यूटी, डॉक्टर कहता है। बाय डॉक्टर अंकल, रौनित कहता है। बाय बेटा। रौनित राजीव को गाड़ी में बैठाता है और गाड़ी ड्राइव करता है। चलिए अब आपको आपकी मंजिल तक छोड़ दिया जाए। वैसे आप बहुत कम बोलते हैं, क्यों? रौनित पूछता है। प्लीज जरा गाड़ी तेज चलाएंगे, राजीव कहता है। जो हुक्म मेरे भाई, रौनित कहता है। गाड़ी जुहू बीच पर आ जाती है। गाड़ी रोक दीजिए, मैं यहां से खुद चला जाऊंगा, राजीव कहता है। जी नहीं, आप मुझे अपने घर का रास्ता बता दीजिए, मैं आपको आपके घर पर ही छोड़ूंगा, इट्स रिक्वेस्ट, रौनित कहता है। यहां से लेफ्ट लीजिए। जी, अब राइट लीजिए, राजीव रौनित को रास्ता बताता है और दोनों घर पहुंच जाते हैं। तो यहां रहते हैं आप? हाँ, दोनों गाड़ी से उतरते हैं। थैंक यू सो मच, राजीव कहता है। थैंक्स टू यू भाई, आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए एक बार फिर से थैंक्स। किस्मत रही तो फिर मिलेंगे, चलते चलते, बाय बाय, राजीव कहता है। रौनित चला जाता है। राजीव कुछ देर उसे जाते हुए देखता है, फिर मुस्कुराता हुआ अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाते ही राजीव देखता है कि रोगी की तैयारी चल रही है। ये देख पिंकी, कैसे लग रही है ये साड़ी, सावित्री पूछती है। अच्छी है दादी, पिंकी कहती है, और ये अंगूठी प्रशांत के लिए बनवाई है। अरे राजीव बेटा, आओ ना, ये अंगूठी देखो, बहुत अच्छी है दादी, राजीव कहता है। माँ मैं अपने रूम में जा रही हूँ, पिंकी कहती है। ठीक है, मैं तेरे और राजीव के लिए कॉफी बना देती हूँ, मनोरमा कहती है। मेरे लिए भी, विशाल कहता है। अच्छा हुआ तो आ गया विशाल, ये सारा सामान मैं पिंकी के रोगी के लिए लाई हूँ, ये सारा शगुन का सामान है, ये देख, सावित्री कहते हैं। प्लीज दादी, मुझे इस ड्रामे से दूर रखिए, मेरी बहन इस शादी से खुश नहीं है, और मेरे रहते पिंकी की मर्जी के खिलाफ ना कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आप भी नहीं दादी। मैं पिंकी की दुश्मन नहीं हूँ, दादी हूँ उसकी, पिंकी को इससे बेहतर लड़का नहीं मिलेगा, बहुत खुश रहेगी वो उस परिवार में, सावित्री कहते हैं। मैं बस इतना जानता हूँ कि पिंकी की मर्जी के खिलाफ मैं ये सगाई नहीं होने दूंगा, विशाल कहता है। और अगर कल सगाई नहीं हुई तो मैं हमेशा के लिए मथुरा चली जाऊंगी, विशाल गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। राजीव भी उसके पीछे जाता है। विशाल को पिंकी के रूम से रोने की आवाज आती है। पिंकी को रोते देख उसे बहुत बुरा लगता है। अपने रूम में जाकर वो परेशान बेड पर बैठ जाता है। विशाल, मुझे लगता है हमें समीर से ही बात करनी होगी, ये सगाई सिर्फ समीर ही रोक सकता है, राजीव कहता है। तो ठीक बोल रहा है, हमें समीर को ना यहाँ बुलाना होगा, विशाल कहता है। मेरे पास एक प्लान है, पर उसमें हमें प्रशांत की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, राजीव कहता है। वो क्यों हमारी हेल्प करेगा, विशाल पूछता है। जरूर करेगा, वो अच्छा इंसान है। पर प्लान क्या है, राजीव विशाल को प्लान बताता है। ग्रेट, चल। दोनों पिंकी के रूम में जाते हैं। पिंकी अभी भी रो रही है। पिंकी, समीर का नंबर दे, विशाल कहता है। समीर का नंबर, पिंकी पूछती है। हाँ हाँ देना, ये लीजिए भैया, पिंकी अपने फोन से नंबर निकाल कर दे देती है, विशाल कहता है। राजीव चल, हमें चांदनी से भी बात करनी है, विशाल और राजीव जाने लगते हैं। भैया, पिंकी पूछती है। विशाल पिंकी के पास वापस आता है। तू बिल्कुल चिंता मत कर,
जब तक तेरा भाई जिंदा है तब तक तेरी खुशी तुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और तेरा ये भाई भी, राजीव कहता है। दोनों वहां से चांदनी के घर आते हैं। चांदनी अपने रूम में बैठकर कार्टून देख रही है। ये ले नंबर और समीर को फोन कर, विशाल कहता है। समीर को? चांदनी कहती है। हाँ जल्दी कर, विशाल कहता है। चांदनी समीर को फोन करती है। स्पीकर पर डाल, विशाल कहता है। हेलो, समीर बोलता है। हेलो, चांदनी कहती है। जी आप कौन? समीर पूछता है। मैं चांदनी बोल रही हूँ, चांदनी कहती है। पिंकी की फ्रेंड? समीर पूछता है। जी, समीर कहता है। पिंकी जब भी मिलती है उसकी बातों में सबसे ज्यादा आपका जिक्र होता है। समीर, कल चांदनी का रोका है, चांदनी कहती है। व्हाट? समीर चौंक जाता है। जी, पर पिंकी ने तो बताया था कि, विशाल चांदनी के हाथ से फोन ले लेता है। समीर कहता है। समीर, मैं विशाल बोल रहा हूँ, पिंकी का भाई, विशाल कहता है। विशाल, कई बार आपसे और चांदनी से मिलना चाहा पर किस्मत ने मौका नहीं दिया, समीर कहता है। मेरी बहन से कितना प्यार करते हो समीर? विशाल पूछता है। जितना आप पिंकी से करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा, समीर कहता है। सच बोल रहे हो? विशाल पूछता है। आजमा लो, समीर कहता है। ठीक है, तो कल रात 8 बजे तक मुंबई पहुंचो। अब तुम कैसे आओगे समझ लेना, यही तुम्हारी आजमाइश है, विशाल कहता है। ठीक है विशाल, मैं कल हर हाल में मुंबई पहुंच जाऊंगा, समीर कहता है। पिंकी की सगाई सिर्फ तुम रोक सकते हो समीर, ये बात याद रखना, विशाल कहता है। जी बाय, विशाल फोन काट देता है। समीर अगर टाइम पर नहीं पहुंच पाया तो हमें हमारा प्लान रेडी रखना होगा, राजीव कहता है। प्लान? कौन सा प्लान? चांदनी पूछती है। वही बताने आए हैं हम दोनों, तुम्हारे बिना हमारा प्लान वर्क नहीं करेगा, विशाल कहता है। मतलब? विशाल चांदनी को प्लान बताता है। नहीं बाबा, अगर दादी को पता चल गया ना तो वो तो मुझे जान से मार डालेंगी। शट अप चांदनी, विशाल कहता है। तुम पागल हो गए हो, अगर किसी को पता चल गया तो? मैं तो गई, चांदनी कहती है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, राजीव कहता है। वाह, सुबह तक मुझे धमकी दे रहे थे। चांदनी, ऐसा कोई काम मत करना जिससे पिंकी और विशाल की फैमिली पर लोग सवाल उठाएं, समझी? यही कहा था ना आपने? राजीव, हाँ हाँ कहा था, पर वो इसलिए क्योंकि तुम ऑलरेडी एक बेवकूफी कर चुकी थी और थप्पड़ भी खा चुकी थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी वजह से पिंकी किसी मुश्किल में आए। क्या कहा आपने? मेरी वजह से पिंकी मुश्किल में आएगी? मैं बस उसकी हेल्प कर रही थी, चांदनी कहती है। चांदनी, एक मिनट, विशाल कहता है। रियली? तुम मदद कर रही थी उसकी, जैसे तुमने कल रात की मेरी माँ से मेरी शिकायत की, तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे डांटा, राजीव कहता है। तो क्या गलत कहा मैंने आपकी माँ से? वही कहा ना जो आप हो, चांदनी कहती है। अच्छा, तो मैं ऐसा हूँ, राजीव कहता है। हाँ, और क्या कहा था आपने मुझसे कि मैंने आपको सैंडल जानबूझकर मारी, मैं जो करती हूँ जानबूझकर करती हूँ, और सोनिया मैम गलती से फिसल गई, उन्हें तो यूं आपने अपनी बाहों में पकड़ लिया जैसे आप कोई हीरो हो और वो आपकी हीरोइन, चांदनी, विशाल कहता है। शट अप चांदनी, अपनी लिमिट में रहकर ना मुझसे बात करो, राजीव कहता है। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का, चांदनी कहती है। ठीक है तो मत करो, मैं भी तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ, समझी तुम, राजीव कहता है। अब तुम दोनों बस करोगे ताकि हम अपना प्लान डिस्कस कर लें, और तू वही करेगी जो मैं कहूंगा, समझी? ठीक है, चांदनी कहती है। राजीव अपना प्लान समझाता है। प्रशांत को फोन कर और उसे बता कल उसे क्या करना है, विशाल कहता है। चांदनी प्रशांत को फोन करके सब समझा देती है। काम हो गया, चांदनी कहती है। गुड, एक बात याद रखना चांदनी, ये प्लान हम चारों के बीच ही रहना चाहिए, तुम, मैं, राजीव और प्रशांत, इनके अलावा ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी, मतलब किसी को भी, पिंकी को भी नहीं, समझी तू? मुश्किल है, राजीव कहता है। क्या? चांदनी पूछती है। तुम्हारा समझना, राजीव कहता है। राजीव आप? चांदनी गुस्से से कहती है। बहुत रात हो गई है, हमें चलना चाहिए, गुड नाइट चांदनी, विशाल कहता है। गुड नाइट विशाल, आपको भी, चांदनी कहती है। राजीव कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। चांदनी गुस्से से कहती है, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। सुबह हो चुकी है,
चांदनी अभी भी सो रही है। सुमन आकर उसे उठाती है। सुमन रूम के पर्दे हटाते हुए कहती है, उठ जा बेटा, आज तेरी बेस्ट फ्रेंड की सगाई है और तू घोड़े बेचकर सो रही है। बस थोड़ी देर और मामी, चांदनी कहती है। सुमन रूम का वो दरवाजा खोलते हुए जहां से राजीव के रूम की खिड़की नजर आती है कहती है, चांदनी 10 बज गए हैं। चांदनी चौंक कर उठ जाती है, 10 बज गए? हे कान्हा जी, अब क्या करूंगी? क्या करूंगी मतलब? सुमन पूछती है। चांदनी बेड से उठकर म्यूजिक ऑन करके बाथरूम में जाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं मामी। अच्छा जल्दी जा, आज संडे है तो तेरी मामा जी ने भी तुझे उठाने के लिए मना किया था, पर अभी तक चाय नहीं पी उन्होंने। जल्दी आकर उनकी चाय बना दे। सुमन कहती है, हाँ बस थोड़ी देर में आई। चांदनी ब्रश करते हुए कहती है। सुमन चली जाती है। चांदनी जल्दी से नहाकर बाहर आती है। चांदनी तू भी ना सच में झल्ली है, सब तेरा मंदिर में वेट कर रहे होंगे। और तू क्या कर रही थी? सो रही थी। विशाल के 5 मिस्ड कॉल है, अब अगर उसे फोन किया तो वो भड़क जाएगा। इससे पहले कि सब तुझ पर भड़के, जल्दी कर, अभी तो मामा जी की चाय बनानी है, दादी को भी मनाना है। हे कान्हा जी, मेरी मदद करो, चांदनी बाल झाड़ते हुए कहती है। तभी अचानक म्यूजिक प्लेयर में ही गाना प्ले होने लगता है, याई रे जोर लगा के नाचे रे। चांदनी सब कुछ भूलकर डांस करने लगती है, कभी बेड पर चढ़कर तो कभी पिलो के साथ। नाचते नाचते उसकी नजर रूम के दरवाजे के पास हाथ बांध कर खड़े राजीव पर जाती है। वो रुक जाती है। चांदनी, अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि आज पिंकी का रोका है जिसे हमें रोकना है। और तुम, विशाल कब से फोन कर रहा है, पर तुम तो बिजी हो, राजीव कहता है। वो मैं बस, चांदनी कहती है, जल्दी मंदिर पहुंचो क्योंकि पहला सीन तुम्हारा ही है, राजीव कहता है। जी, चांदनी कहती है। राजीव चला जाता है। चांदनी रेडी होकर मामा जी के लिए चाय बनाकर मंदिर पहुंचती है। चांदनी, तुझे कितने बजे मंदिर आने के लिए बोला था, विशाल कहता है। सॉरी विशाल, चांदनी कहती है, दादी बस मंदिर ना आने ही वाली है पंडित जी से बात करने। आज रोके की रस्म यही करवाने वाले हैं। हमारे प्लान के लिए दादी को तुझे माफ करना बहुत जरूरी है, तू तैयार है ना? हाँ, चांदनी कहती है। जितना कहा है बस उतना ही करना, अपना दिमाग मत लगाना, राजीव कहता है। आप, चांदनी कहती है। राजीव, कुछ नहीं करेगी वो, दादी आ गई, हम यहीं छुपते हैं, तू जा चांदनी, विशाल कहता है। चांदनी जल्दी से जाकर कान्हा जी के सामने हाथ जोड़कर रोने का ड्रामा करती है। कान्हा जी, आप तो जानते हो ना कि मैं पिंकी से कितना प्यार करती हूँ, वो मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी बहन है। मैं तो बस पिंकी का भला चाहती थी, पर सब गड़बड़ हो गया। पिंकी रो रही थी और मुझसे उसका रोना दिखा नहीं गया, इसलिए मैंने प्रशांत जी से बस ये कहा था कि पिंकी अभी कुछ सालों तक शादी नहीं करना चाहती। मुझे क्या पता था कि प्रशांत की माँ दादी को सब अपने तरीके से कुछ भी बोल देंगी। दादी सब सुन रही होती हैं। अब दादी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की सगाई में कभी नहीं जा सकूंगी। मुझे माफ कर दीजिए दादी, कान्हा जी आगे से हमेशा बड़े की बात मानूंगी, बस एक बार दादी मुझे माफ कर दें। चांदनी, सावित्री कहते हैं। चांदनी पलट कर कहती है, दादी आप यहाँ? हाँ, सावित्री कहते हैं। दादी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस, चांदनी कहती है। तुम मेरे सामने बड़ी हुई है इसलिए तेरा ये नाटक ना मेरे सामने नहीं चलेगा, समझे, सावित्री कहती है। दादी जाने लगती है। चांदनी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। राजीव भागकर उसके पास जाने लगता है पर विशाल उसे रोक देता है। विशाल, वो चांदनी बेहोश, राजीव कहता है। नाटक कर रही है, विशाल कहता है। व्हाट, राजीव कहता है। चांदनी, चांदनी बेटा क्या हुआ? हे भगवान, इसे क्या हो गया? अरे कोई पानी तो लाओ, सावित्री कहते हैं। पुजारी जी जल का लोटा लेकर आते हैं। दादी चांदनी के चेहरे पर पानी छिड़कती हैं और कुछ देर बाद उसे होश आता है। तू ठीक तो है ना बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है, तू बेहोश कैसे हो गई, सावित्री कहती है। मैं ठीक हूँ दादी, बस भूख से चक्कर आ गया था, चांदनी कहती है। भूख से चक्कर, सावित्री कहती है। मैंने कल कसम खाई थी कि जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देती मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। आपने मुझे माफ कर दिया ना, चांदनी कहती है। हाँ कर दिया, चल उठ और ये सेब खा ले, थोड़ी ताकत आएगी, मैं तुझे घर ले चलती हूँ, चांदनी घबरा कर कहती है। नहीं, हे कान्हा जी, अगर दादी मुझे घर ले गई तो मामा जी और मामी को इस ड्रामे का पता चल जाएगा, अब क्या करूं, सावित्री। नहीं, घर नहीं चलना क्या, चांदनी कहती है। चलना है ना दादी, पंडित जी टाइम पर आ जाइएगा, सगाई का मुहूर्त रात 8 बजे का है,
सावित्री कहती है। जी सावित्री जी, आ जाऊंगा, पंडित जी कहते हैं। चल चांदनी। दादी चांदनी को सहारा देकर ले जाती हैं। चांदनी राजीव और विशाल की तरफ देखती है। विशाल चांदनी को इशारे में दादी के साथ जाने को बोलता है। दादी के जाते ही प्रशांत मंदिर आ जाता है। थैंक गॉड कि तुम आ गए, विशाल कहता है। मुझे क्या करना है विशाल, प्रशांत कहता है। बताते हैं, राजीव प्रशांत को सब समझाता है। ठीक है, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, प्रशांत कहता है। थैंक्स प्रशांत, जो तुम हमारे लिए ये सब कर रहे हो, विशाल कहता है। थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पिंकी और चांदनी से भी कहा था कि मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। मैं कैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जो मुझसे प्यार नहीं करती। फिर भी थैंक्स प्रशांत, राजीव कहता है। राजीव, हमें चांदनी के घर जल्दी चलना होगा, वहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ड्रामा होने वाला है, विशाल कहता है। मैंने कहा था चांदनी से कि जो बोला है वही करे, पर पता नहीं उसे ये बेहोश होने वाला ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी, राजीव कहता है। राजीव, वो हम बाद में चांदनी से पूछ लेंगे, फिलहाल घर चलते हैं। बाय प्रशांत, विशाल कहता है। बाय। दादी चांदनी को घर ले आती हैं। चांदनी, क्या हुआ बेटा, सुमन पूछती है। सावित्री चांदनी को बैठाते हुए कहती हैं। कुछ खाने के लिए लेकर आ इसके लिए। पर हुआ क्या, सुमन पूछती है। मंदिर में बेहोश हो गई थी, सावित्री कहती है। क्या, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, भूख से चक्कर आ गया था इसे, कुछ खा लेगी तो ठीक हो जाएगी, सावित्री कहती है। हे भगवान, मेरी बच्ची, तुझे कितनी बार कहा है कि बिना कुछ खाए घर से मत निकला कर, पर तू मेरी सुनती कब है, सुमन कहती है। मेरी बेटी करती रहती है और ये होश नहीं है कि इसने कल रात से कुछ नहीं खाया, सावित्री कहती है। कल रात से, पर, सुमन कहती है। पर क्या मामी, मुझे भूख लगी है, आप बातें बाद में कर लेना, पहले मेरे लिए कुछ खाने को लाइए, चांदनी मन में कहती है। आज तो तू गई चांदनी, दादी के सामने मामी ने अगर सच बोल दिया ना तो दादी तो तुझे कच्चा खा जाएंगी और तुझे तो आज उनके घर में घुसने भी नहीं देंगी। अब क्या करूं विशाल, प्लीज जल्दी आ, सुमन चांदनी के लिए नाश्ता लेकर आती है। खिलाए से, सावित्री कहती है। जी, सुमन परेशान होकर चांदनी के सर पर हाथ फेरती है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है। कल से इसने कुछ नहीं खाया और तुझे जरा भी फिक्र नहीं इसकी, सावित्री कहती है। नहीं बीजी, मैंने खुद इसे, विशाल आ जाता है। चांदनी क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना, विशाल पूछता है। चांदनी खुशी से कहती है। हाँ दादी, आपको पापा जी बुला रहे हैं जल्दी, विशाल कहता है। ठीक है, मैं चलती हूँ। सुमन, शाम को सब लोग आ जाना और तू थोड़ी देर आराम कर, फिर घर आ जाना, बहुत से काम है आज, चांदनी खुशी से कहती है। अभी चलती हो ना दादी, सब लोग उसे देखने लगते हैं। मेरा मतलब है अब मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर आराम कर ले सुमन, तू मेरे साथ चल, कुछ काम है, सावित्री कहती है। चांदनी को खाना खिलाकर आती हूँ बीजी, सुमन कहती है। ठीक है, सावित्री कहती है। सावित्री चली जाती है। तू ठीक है, सुमन पूछती है। आंटी वो ठीक है, दादी चांदनी को माफ कर दें इसलिए ये नाटक करना पड़ रहा था हमें, विशाल कहता है। नाटक, सुमन पूछती है। हाँ मामी, वो दादी नाराज थी मुझसे और वो आज मुझे पिंकी की सगाई में आने नहीं देती इसलिए, सुमन नाराज होकर कहती है। इसलिए तूने झूठ बोला, अगर उन्हें सच पता चल गया तो तू जानती है ना क्या होगा। सॉरी मामी, चांदनी कहती है। सॉरी, मेरी तो जान निकल गई थी जब बीजे ने ये कहा कि तू बेहोश हो गई थी, सुमन कहते हैं। चांदनी सुमन को कसकर पकड़ते हुए कहती है। माफ कर दीजिए मुझे, मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, सुमन मुस्कुराते हुए। ठीक है, मैं जाती हूँ वरना बीजी मुझसे भी नाराज हो जाएगी। सॉरी आंटी, विशाल कहता है। सुमन चली जाती है। मैंने तुमसे कहा था कि जितना बोला है ना उतना ही करना, पर तुम, राजीव कहता है। अगर मैं बेहोश होने का ड्रामा नहीं करती ना तो दादी मुझे माफ नहीं करने वाली थी, चांदनी कहते हैं। अच्छा और क्या, चांदनी समीर से बात हुई, विशाल पूछता है। हाँ समीर 8 बजे तक आ जाएंगे, चांदनी कहते हैं। अगर समीर सगाई में टाइम पर नहीं आया तो हमें कैसे भी करके सगाई को कुछ टाइम तक रोकना होगा, राजीव कहता है। तुम ठीक कह रहे हो राजीव, विशाल कहता है। कल जो प्लान किया था मैं उसके लिए रेडी हूँ, चांदनी कहती है। वेरी गुड चांदनी, तो ये तय हुआ कि अगर समीर को आने में देर हुई या वो नहीं आ पाया तो हमें क्या करना है, विशाल कहता है। डन, राजीव कहता है। पर हमें एक लड़की की जरूरत पड़ेगी, विशाल कहता है।
उसकी टेंशन मत लो, वो मैं संभाल लूंगी। फिलहाल मैं पिंकी के पास जाती हूँ, चांदनी कहती है। ठीक है, विशाल कहता है। विशाल, हमें भी अब चलना चाहिए, राजीव कहता है। दूसरी ओर कुकु भाटिया सोनिया के घर पहुंचते हैं। डैड, आपने सिक्की को ऑफिस काम करने भेजा या फिर मेरी बेइज्जती करवाने? सोनिया कहती है। क्या मतलब बेटा? मिस्टर मल्होत्रा पूछते हैं। डैड, कल सिक्की ने च्युइंगम खाकर ऑफिस में फेंक दी और मैं गिरते गिरते बची। अगर राजीव ने मुझे नहीं पकड़ा होता तो मैं तो सच में गिर गई होती और मेरे ऑफिस में मेरा तमाशा बन गया होता। सोनिया कहती है। सिक्की, डैड मैंने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना। और ये सोनिया, इसे मेरी इंसल्ट करने के अलावा ना और कोई काम नहीं है। बस जब देखो मुझ पर अपना रौब झाड़ती रहती है। तो और क्या करूं, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, सोनिया कहती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कुकू भाटिया कहते हैं। भाटिया साहब, आप आओ ना, आपको कब से इस घर में आने के लिए इजाजत की जरूरत पड़ गई? मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं। विक्रम ने हरकत ही ऐसी की है, कुकू भाटिया कहते हैं। पर आपने तो कुछ नहीं किया अंकल, तो फिर आप क्यों अपसेट हैं? सोनिया कहती है। समझ नहीं आ रहा सोनिया कि इस लड़के का क्या करूं, कभी कुछ और तो कभी कुछ और, कुकू भाटिया कहते हैं। मतलब क्या है आपका? मिस्टर मल्होत्रा पूछते हैं। उसे अपने किए पर अफसोस है, उसकी नानी ने उसके बर्थडे पर उसे एक फार्म हाउस गिफ्ट किया था, उसे बेच उसने 35 करोड़ रुपए खुद दिए हैं। यहाँ आने में उसे झिझक हो रही थी, इसलिए मुझे ये चेक तुम्हें देने के लिए कहा है। फार्म हाउस बेचकर? मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं। जी, आप तो जानते हैं ना कि विक्रम को अपने काम में महारत हासिल है, आपके हर प्रोजेक्ट का हेड इंचार्ज रहा है वो, और अपना हर प्रोजेक्ट भी टाइम पर ही पूरा करता है। उसकी माँ के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाटिया साहब, मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं। ये लो सोनिया, 35 करोड़ का चेक, कुकू भाटिया कहते हैं। सोनिया चेक लेते हुए, थैंक्स अंकल, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। हरीश, अंकल के लिए चाय लाओ। मल्होत्रा, आपसे एक बात करनी थी, कुकू भाटिया कहते हैं। हाँ बोलिए ना, मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं। मुंबई से 120 किलोमीटर दूर एक प्लॉट है जो हाईवे से सटा हुआ है। मेरे साले साहब उस जमीन को लेना चाहते हैं और वो इसके लिए कोशिशों में भी लगे हुए हैं, पर विक्रम ने पहले ही सेटिंग कर ली है। अगर आप और सोनिया चाहें तो हम ये सौदा कर सकते हैं। ठीक है, मैं सोनिया से बात करता हूँ, मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं। पिंकी अपने रूम की खिड़की के पास खड़ी हुई है। चांदनी रूम में आती है और उसे पीछे से पकड़ लेती है। की होया पिंकी जी, तुसी बड़े सैड सैड लग रहे हो, चांदनी पूछती है। तुझे नहीं पता, पिंकी कहती है। सब जानती हूँ, पर तू भूल गई है कि मैंने तुझे वादा किया था कि ये सगाई नहीं होने दूंगी। भरोसा है ना तुझे मुझ पर, चांदनी कहती है। हाँ, पिंकी कहती है। तो फिर थोड़ा मुस्कुरा दे, वैसे आज तेरा समीर आ रहा है तो थोड़ा मुस्कुराना तो बनता है, चांदनी कहती है। पिंकी मुस्कुराती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। पिंकी, मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, चांदनी कहती है। जल्दी आना, पिंकी कहती है। जी मैडम, चांदनी कहती है। चांदनी चली जाती है। चांदनी अपने रूम में आकर सिक्की को फोन करती है। चांदनी, तुमने मुझे फोन किया? सिक्की पूछता है। जी सिकंदर जी, चांदनी कहती है। इस दिन का मुझे कब से इंतजार था, सिक्की कहता है। सच सिकंदर जी? चांदनी कहती है। हाँ सिकंदर जी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, चांदनी कहती है। सिक्की खुशी से कहता है, बोलो ना चांदनी, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? बात ये है सिकंदर जी कि, चांदनी सिकंदर को सब बताती है। ओ ये बात है, सिक्की कहता है। आप समझ गए ना कि आपको क्या करना है, चांदनी कहती है। समझ गया चांदनी, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सिक्की कहता है। थैंक यू सिकंदर जी, आप टाइम पर आ जाइएगा, चांदनी कहती है। टाइम से पहले आ जाऊँगा, सिक्की कहता है। ओके बाय, चांदनी कहती है। बाय, थैंक्स कान्हा जी। चांदनी पिंकी के घर जाती है। पिंकी के घर सगाई की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रमेश, जाकर हलवाई को देख, सब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। विशाल, जरा घर की सजावट देख लो, सावित्री कहती है। जी बीजी, रमेश कहते हैं। दादी, सजावट मैं देख लेता हूँ, राजीव कहता है। राजीव फूलों की लड़ी लगा रहा होता है। घर में सब लोग सजावट का काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक का पैर गलती से राजीव की चोट पर लग जाता है। राजीव की चोट से खून बहने लगता है। चांदनी देख लेती है और भागकर राजीव के पास आती है। राजीव, आप ठीक हो? चांदनी पूछती है। हाँ, राजीव कहता है।
खून बह रहा है, चांदनी कहती है। इट्स ओके, राजीव कहता है। चलिए मैम, राजीव अपने बेड पर बैठकर कहता है। कोई ज़रूरत नहीं है। राजीव अपने रूम में चला जाता है, चांदनी भी उसके पीछे जाती है। राजीव फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर अपनी चोट पर पट्टी करने लगता है। चांदनी राजीव के पास बैठकर कहती है, राजीव मैं कर देती हूँ। कहा ना, कोई ज़रूरत नहीं है, राजीव कहता है। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, चांदनी कहती है। यहाँ से जाओ चांदनी, राजीव कहता है। चांदनी राजीव के हाथ से ज़बरदस्ती बॉक्स लेकर कहती है, नहीं जाऊंगी, क्या करेंगे आप? चांदनी राजीव के पैर में एंटीसेप्टिक लगाने लगती है। चांदनी क्या कर रही हो, छोड़ो मेरा पैर, राजीव कहता है। नहीं छोड़ूंगी, चांदनी कहती है। चांदनी छोड़ो मेरा पैर, राजीव अपना पैर जोर से खींचता है और चांदनी राजीव के ऊपर गिर पड़ती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। राजीव चांदनी को उठाकर कहता है, आई एम सॉरी, पट्टी कर देती हूँ वरना फिर से खून बहने लगेगा, चांदनी कहती है। कहा ना, कोई ज़रूरत नहीं है, राजीव कहता है। चुपचाप बैठ जाइए, आपकी माँ बिल्कुल ठीक कहती है कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, चांदनी कहती है। अच्छा हाँ, और उन्होंने ये भी बताया कि कभी कभी आप उन पर भी गुस्सा करते हो। एक बात बताइए, आपकी माँ से बात करके मुझे लगा कि उन्हें तो गुस्सा आ ही नहीं सकता, तो आप उन पर तो नहीं गए हो, इसका मतलब आप आपके पापा पर गए हो। राजीव उठकर खड़ा हो जाता है। थैंक्स, आई एम सॉरी राजीव, वो गलती से आपके पापा की बात। चांदनी, तुम्हें दिन में ना 100 बार सॉरी बोलना पड़ता है, तो गलतियां करती ही क्यों हो, राजीव कहता है। जानबूझ के नहीं करती हूँ, चांदनी जाने लगती है। अचानक उसका झुमका पर्दे में फंस जाता है। चांदनी उसे निकालने की कोशिश करती है पर झुमका नहीं निकलता। राजीव चांदनी का झुमका निकालने की कोशिश करता है। राजीव को इतना करीब देख चांदनी कांपने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। राजीव झुमका निकाल देता है। अचानक चांदनी के फ़ोन की रिंगटोन बजती है और वो वहां से भाग जाती है। चांदनी, तुम्हारा झुमका? राजीव झुमके को देखकर मुस्कुराने लगता है। चांदनी खुद से कहती है, चांदनी क्या हो रहा है तुझे, उसके करीब जाते ही तो ये कैसा एहसास है? चांदनी यही सब सोच रही होती है। ओए, यहाँ क्यों खड़ी है, विशाल पूछता है। कुछ नहीं विशाल, तो फिर जा, पिंकी बुला रही है तुझे, विशाल कहता है। ओ हाँ, चांदनी जाने लगती है। रुक, तेरे कान का दूसरा झुमका कहाँ है, या फिर एक झुमका पहनने का कोई नया फैशन है, विशाल पूछता है। चांदनी घबरा कर कहती है, शायद कहीं गिर गया। चांदनी चली जाती है। सीढ़ियों से होकर पिंकी के रूम में जाने लगती है। अचानक कोई उसका हाथ पकड़कर उसे रूम में ले आता है। वो चीखने वाली होती है। वो उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। चांदनी की नज़र उस पर पड़ती है। राजीव नजर आता है। मैं हूं, राजीव अपना हाथ हटाता है। आप? तुम्हारा झुमका। चांदनी झुमका लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर राजीव झुमका देने के लिए सर हिलाकर मना कर देता है। चांदनी दूसरा झुमका भी उतार कर राजीव के हाथों में दे देती है। ठीक है, ये भी रख लो। चांदनी चली जाती है। राजीव झुमकों को देखने लगता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। चांदनी पिंकी के रूम में जाती है। पिंकी बार बार फोन ट्राई कर रही है पर फोन नहीं लग रहा। पिंकी फ्लाइट में नेटवर्क नहीं होगा, चांदनी कहती है। तो मैं क्या करूं चांदनी, पिंकी कहती है। अरे आज तेरी सगाई है तो तैयार हो जा, वैसे बीजी की चॉइस का जवाब नहीं है, कितना सुंदर लहंगा है, तुझ पर बड़ा प्यारा लगेगा, चांदनी कहती है। मुझे नहीं पहनना, विशाल वहां आ जाता है। पिंकी तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? पूरा भरोसा है भैया। तो फिर तैयार हो जा, और हाँ, चेहरे पर वही मुस्कुराहट होनी चाहिए जो हमेशा मेरी बहन के चेहरे पर होती है, पिंकी सिर हिलाकर हाँ बोलती है। विशाल चला जाता है। चांदनी पिंकी को चेंज करने के लिए लहंगा देती है। कुछ देर बाद पिंकी उसे पहनकर बाहर आती है। पिंकी इस लहंगे चोली में बहुत खूबसूरत लग रही है। चांदनी उसे देखकर सीटी मारती है। क्या बात है पिंकी जी, तुसी तो चांद का टुकड़ा लग रहे हो। पिंकी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। यहाँ बैठ, चांदनी उसे तैयार करने लगती है। पिंकी पता है मामा जी कहते हैं, हम तब हारते हैं जब हम हारना चाहते हैं, लेकिन अगर हम ये ठान लें कि हम कभी नहीं हार सकते तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। तुझे अपने प्यार पर भरोसा है ना? हाँ है, पिंकी कहती है। तो बस खुद को हारने मत दे, आज जो होगा वो अच्छा होगा,
देखना कल की सुबह तेरी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगी। चांदी बिल्कुल ठीक कह रही है, वहां राजीव आ जाता है। बहुत खूबसूरत लग रही हो भैया। पिंकी भैया कहते हो ना मुझे? हाँ, तो अपने इस भाई की एक बात मानोगी, राजीव कहता है। हाँ पिंकी, आज अगर समीर अपने प्यार के इम्तिहान में पास हो गया तो तुम्हें भी पास होना होगा अपने इम्तिहान में। आज अगर तुम सबके सामने समीर का साथ नहीं दे पाई तो तुम्हें प्यार करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें सबके सामने कबूल करना होगा कि तुम समीर से प्यार करते हो। अपने प्यार को जीत तुम खुद दिला सकती हो, और फिर मैं, विशाल, चांदनी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ है। मैं समझ गई भैया, आप क्या कहना चाहते हैं, पिंकी कहती है। गुड गर्ल। राजीव जाने लगता है। पिंकी की नज़र चांदनी के कान पर पड़ती है। चांदनी, तेरे झुमके कहाँ हैं? ये सुनते ही राजीव रुक जाता है और पलटता है। चांदनी घबरा कर राजीव की तरफ देखती है। वो मैंने उतार दिए, चांदनी कहती है। पर क्यों? चांदनी राजीव को घूरने लगती है। अरे चांदनी, पिंकी कुछ पूछ रही है तुमसे, राजीव कहता है। मेरी मर्जी, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। चांदनी चली जाती है। अरे पर ये तो तेरे सबसे फेवरेट हैं, राजीव मुस्कुराते हुए कहता है। पिंकी मैं आता हूँ। राजीव भी चांदनी के पीछे जाता है। चांदनी गुस्से में खुद से कहते हैं, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, मेरे झुमके खुद पहनने वाले हैं क्या? तू भी ना चांदनी, तुझे क्या जरूरत थी दूसरा झुमका भी उन्हें देने की? अब भूल जा अपने झुमके, वो तो तुझे वापस देने से रहे। राजीव चांदनी को झुमके दिखाते हुए, सुना है ये तुम्हारी सबसे फेवरेट है? चांदनी अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, दीजिए मेरे झुमके। थोड़ी देर पहले क्या कहा था मैंने कि नहीं दूंगा, राजीव कहता है। ठीक है, खुद पहन लो, चांदनी गुस्से में अपने घर जाने लगती है। चांदनी अब क्या ऐसे इधर उधर मटकती रहेगी, जाकर तैयार हो जा। और तेरे झुमके कहाँ हैं? तू तो बिना झुमकों के घर से बाहर भी नहीं निकलती, तो आज ऐसे क्यों घूम रही है, सावित्री पूछती है। दादी वो कहीं गिर गए हैं, चांदनी कहती है। दोनों? सावित्री पूछती है। नहीं, गिरा तो एक है, दूसरा मैंने दे दिया। दे दिया? सावित्री पूछती है। मेरा मतलब है मैंने उतार दिया। तेरी बातें तू ही समझ सकती है। अब जा, लड़के वाले आने वाले हैं। जी। चांदनी घर चली जाती है। राजीव ये सब देखकर मुस्कुरा रहा है। चांदनी अपने घर पहुंचती है। चांदनी तेरे झुमके कहाँ है, सुमन पूछती है। झुमके झुमके झुमके, जिसे देखो मेरे झुमके के पीछे पड़ा है, जैसे और कोई काम ही नहीं है, चांदनी कहते हैं। अरे पर इसे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है, सुमन कहते हैं। चांदनी देख तेरे लिए क्या लाया हूँ, सिना कहते हैं। चांदनी खुशी से पूछती है, क्या मामा जी? मिश्री दही, तुझे पसंद है ना? मिश्री दही, थैंक यू मामा जी। चांदनी बेटा तेरे झुमके कहाँ हैं, सिना पूछते हैं। मामा जी आप भी। चांदनी अपने रूम में चली जाती है। इसे क्या हुआ, सिना पूछते हैं। लगता है बीजी ने फिर कुछ कह दिया या विशाल से झगड़ा कर कर आई है। चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए, लड़के वाले बस आते ही होंगे। चांदनी अपने रूम में जाकर म्यूजिक ऑन करती है और तैयार होने लगती है। विशाल मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया था, राजीव पूछता है। अब कुछ काम था, विशाल कहता है। दादी तेरे बारे में पूछ रही थी, राजीव कहता है। मैं रेडी होकर आता हूँ, विशाल कहता है। जल्दी आप, लोग आते ही होंगे, राजीव कहता है। विशाल अपने रूम में चला जाता है। चांदनी तैयार होकर पिंकी के घर पहुंचती है। सारे मेहमान आ चुके हैं। राजीव की नजर चांदनी पर पड़ती है। पीले रंग की खूबसूरत साड़ी में चांदनी बहुत खूबसूरत लग रही है। कान में बड़े बड़े झुमके, लंबे खुले बाल जो उसके चेहरे को छू रहे हैं, आंखों में गहरा काजल, होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में पीले रंग की चूड़ियां, चांदनी की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। राजीव एक टक उसे देख रहा है। उसकी नजर चांदनी पर से हट ही नहीं रही थी। चांदनी पिंकी के रूम में जाने लगती है। बहुत सुंदर लग रही है बेटा, मनोरमा कहती है। थैंक यू आंटी, चांदनी कहती है। ये फूलों की थाल वहां टेबल पर रख दे, मनोरमा कहती है। जी। राजीव चांदनी की तरफ बढ़ता है। उसे आसपास की कोई सूदी नहीं रह गई थी। वो चांदनी के पास जाता है। अचानक एक लड़की चांदनी को टक्कर मार देती है और चांदनी की थाल हवा में उछल जाती है। चांदनी गिरने लगती है, पर राजीव उसे अपनी बाह में पकड़ लेता है। सारे फूल उन पर गिरने लगते हैं। चांदनी भी राजीव को एक टक देखने लगती है।
दोनों एक दूसरे को ऐसे ही कुछ देर देखने लगते हैं। चांदनी तो ठीक है? राजीव चांदनी को खुद से दूर कर देता है। मनोरमा पूछती है, जी आंटी। थैंक यू बेटा, मनोरमा कहती है। लड़के वाले आ जाते हैं, सब उन्हें देखने लगते हैं। माँ मनोरमा, लड़के वाले आ गए, जल्दी आओ, रमेश कहते हैं। चांदनी तू जा पिंकी को लेकर आ, मनोरमा कहती है। जी। राजीव, विशाल और सारी फैमिली प्रशांत और उसकी फैमिली का स्वागत करते हैं। आइए बैठिए, सावित्री कहती है। विशाल। जी दादी। सुमन, मेहमानों के लिए कुछ ठंडा ले आओ, सावित्री कहती है। जी। मनोरमा, चांदनी को बोलो पिंकी को लेकर आए, सावित्री कहती है। जी। मनोरमा पिंकी के रूम में जाती है। पिंकी अपने बेड पर उदास बैठी है और चांदनी उसकी ज्वेलरी ठीक कर रही है। मैं जानती हूँ पुत्र, तू अभी शादी नहीं करना चाहती। तेरी माँ होकर भी मैं आज तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर देना बेटा, इस घर में हमेशा से तेरी दादी की चली है। मैं तो बस उनकी बहू, तेरे पापा जी की बीवी और तुम दोनों की माँ बनकर ही रह गई। इससे ज़्यादा की हैसियत नहीं है मेरी इस घर में। पर हर रोज़ मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। मुझे प्रशांत अच्छा लड़का लग रहा है, वो तुझे हमेशा खुश रखेंगे, मनोरमा आंसू पोंछ कर कहती है। चांदनी से नहीं चले जा, लड़के वाले आ गए हैं, चांदनी रोते हुए कहती है। जी। माँ मुझे आपसे कुछ कहना है, पिंकी कहती है। बोलना बेटा, मनोरमा कहती है। चांदनी पिंकी का धीरे से हाथ पकड़कर उसे हौसला देती है। माँ मैं किसी और से। तभी सावित्री मनोरमा को आवाज लगाती है, मनोरमा आंसू पोंछते हुए। आई पीजी, चांदनी से जल्दी ले आ। मनोरमा चली जाती है, पिंकी रोने लगती है, चांदनी उसे संभालती है। चांदनी पिंकी को उठाते हुए कहती है, चल। चांदनी पिंकी को लेकर नीचे आती है। सब लोग उन्हें देखने लगते हैं, सावित्री की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। सावित्री उठकर पिंकी को प्रशांत के पास बैठा देती है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू, लाजो कहती है। हमारी पिंकी तो है ही सुंदर, सावित्री कहती है। चांदनी तुम्हें कहा था ना कि एक लड़की की हेल्प की जरूरत पड़ेगी हमें, राजीव कहता है। हाँ तो वो लड़की कहाँ है, राजीव गुस्से से पूछता है। ओ हाँ, बस पहुंचने वाली होगी, अभी फोन करके पता करती हूँ। चांदनी फोन करने लगती है, तभी वहाँ एक लड़की शॉर्ट ड्रेस में आ जाती है। उसके कपड़े देखकर सबका ध्यान उस पर ही जाता है। ये कौन है, विशाल पूछता है। पता नहीं, राजीव कहते हैं। चांदनी कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे तुम लाने वाली थी। चांदनी, अरे हाँ। चांदनी भागकर उसके पास जाती है। लग रहा हो ना बिल्कुल लड़की और तुम्हारी तरह खूबसूरत, सिक्की कहता है। चांदनी अपनी हंसी छिपाते हुए, जी। ये कौन है चांदनी, सावित्री पूछती है। ये वो सोनिया मैडम है, पिंकी और मेरी बॉस। आओ बेटा अंदर आओ, सावित्री उठकर कहती है। सिक्की धीरे से कहता है, बेटा? चांदनी लगता है इन्होंने मुझे पहचान लिया, मुझे बेटा बोल रही है। नहीं पहचाना, प्यार से बेटा बोल रही है, आप प्लीज हमारा भांडा मत फोड़ दीजिएगा। क्या हुआ बेटा, आओ ना, सावित्री पूछती है। जी माँ जी, चांदनी क्यूट सा फेस बनाकर कहती है। दादी? ओ तो आप दादी हैं, सिक्की कहता है। हाँ दादी, मैं इन्हें सबसे मिलवा देती हूँ, चांदनी कहती है। ठीक है। चांदनी सिक्की का हाथ पकड़कर उसे साइड में लाती है। विशाल और राजीव भी उसके पास आ जाते हैं। सिक्की राजीव को देखकर उसे गले लगाते हुए कहता है, राजीव मेरे भाई। राजीव गुस्से से उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, ये आवाज तो कुछ जानी पहचाने लग रही है। अरे मैं सिक्की हूँ, सिक्की कहता है। राजीव और विशाल एक साथ चौंक कर कहते हैं, सिक्की? दोनों चांदनी की तरफ घूर कर देखते हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, अम्मी लड़की कहाँ से लाती, कोई शरीफ लड़की ये काम करती क्या? विशाल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये लड़की कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी, राजीव कहता है। तेरा दिमाग खराब है, तू इसे यहाँ लड़की बनाकर ले आई, अगर किसी को पता चल गया तो, विशाल कहता है। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, मैंने इन्हें सब समझा दिया है, चांदनी कहती है। तुम लोग चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं तो अपने कॉलेज ड्रामे में हमेशा लड़की बनता था, चांदनी मुस्कुराते हुए कहती है। देखा? चांदनी को साइड में लाकर विशाल कहता है,
अगर कुछ गड़बड़ हुई चांदनी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, चांदनी कहती है। समीर को फोन कर, विशाल कहता है। हाँ, चांदनी समीर को फोन करती है। समीर, हेलो, कहाँ हो आप, चांदनी पूछती है। मुंबई में, चांदनी खुशी से पूछती है। क्या आप मुंबई आ गए? हाँ, विशाल चांदनी से फोन लेकर कहता है। तुम मुंबई में हो? जी, कुछ देर पहले ही पहुंचा हूँ। तो जल्दी घर पहुंचो, सगाई की रस्म शुरू होने वाली है। मुझे कम से कम आधा घंटा लगेगा। ठीक है, जल्दी करो। विशाल, यहाँ का ट्रैफिक तो तुम जानते हो, फिर भी मैं शॉर्टकट से आ रहा हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा, समीर कहता है। ठीक है, तब तक मैं कुछ करता हूँ, विशाल कहता है। विशाल फोन रख देता है। क्या हुआ, राजीव पूछता है। राजीव, समीर को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हमें ये सगाई कैसे भी करके रोकनी पड़ेगी। मैं हूं ना, मैं कुछ करती हूँ, चांदनी कहती है। कोई जरूरत नहीं है, राजीव कहता है। एक मिनट राजीव, चांदनी तो क्या करने वाली है? वही जो मुझे अच्छे से आता है। मतलब, राजीव पूछता है। चांदनी राजीव और विशाल से धीरे से कुछ कहती है। विशाल मुस्कुराते हुए, गुड आइडिया, चल। विशाल, चांदनी, राजीव और सिक्की हॉल में पहुंचते हैं। सबकी फैमिली वहां है। ये कौन है, पिंकी पूछती है। सोनिया मैम, चांदनी कहती है। सोनिया मैम, पिंकी कहती है। हाँ, तू इन्हें नहीं जानती, चांदनी कहती है। नहीं, ध्यान से दे, फिर शायद पहचान ले, चांदनी कहती है। अब सीधे सीधे बताएगी कि कौन है ये, चांदनी पिंकी के कान में उसे सब बताती है। पिंकी को जोर से हंसी आ जाती है और चांदनी को भी। मैं अभी आती हूँ, चांदनी कहती है। चांदनी, तुझे पता है ना कि तुझे क्या करना है, विशाल कहता है। हाँ हाँ, चांदनी कहती है। कुछ गड़बड़ मत करना चांदनी, राजीव कहता है। चांदनी गुस्से से, नहीं करूंगी। चांदनी प्रशांत से मिलने जाती है। प्रशांत खड़ा हुआ है, चांदनी उसे बुलाती है। वो चांदनी के पास पर्दे की दूसरी साइड खड़ा हो जाता है। चांदनी उससे बात करने वाली होती है कि प्रशांत को कोई आवाज लगाता है और वो वहां से चला जाता है। उसकी जगह वहां उसके पापा आकर खड़े हो जाते हैं। चांदनी उसका चेहरा देखे बिना ही कहने लगती है, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, डांस खत्म होते ही सामने वाले रूम में आ जाना है, समझे? वो भी चांदनी का चेहरा नहीं देख पाते, चांदनी वहां से चली जाती है। जिसे चांदनी के रूम में आने को बोला है वो प्रशांत के पापा है। चांदनी तो चली जाती है, पर वहां सिक्की उन्हें दिखाई देता है। वो खुश हो जाते हैं। सिक्की, जब मैं तुम्हें इशारा करूं तुम रूम में जाओगे, तुम्हें पता है ना क्या करना है तुम्हें, विशाल कहता है। बिल्कुल पता है, तुम लोग चिंता मत करो, ऐसी एक्टिंग करूंगा ना कि सब धोखा खा जाएंगे और दादी खुद इस सगाई के लिए मना कर देंगे, सिक्की कहता है। ठीक है ठीक है, तुम जाओ और कुछ गड़बड़ मत करना, राजीव कहता है। सब लोग आ गए, सगाई की रस्म शुरू करते हैं, सावित्री कहती है। एक मिनट दादी, मेरी बहन की सगाई है तो धूम धड़ाका नाच गाना तो बनता है, और वैसे भी सगाई का मुहूर्त 8 से 9 बजे तक का है, अभी तो बहुत टाइम है। अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, अंधेरे में किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। अरे देखो, ये लाइट्स को क्या हुआ, सावित्री कहती है। म्यूजिक सिस्टम पर गाना बजने लगता है, जो ना करना था कर गई, मैं भी किथे जाके मर गई। अंधेरे में किसी के नाचने की परछाई दिख रही थी। लाइट्स ऑन हो जाती हैं, सामने चांदनी नाच रही है। सबका ध्यान वहीं चला जाता है, चांदनी के साथ सब झूमने लगते हैं। अगला गाना प्ले होता है, आज है सगाई सुन लड़की के भाई, जरा नाच के हमको दिखा। चांदनी, राजीव और विशाल सब नाच रहे हैं। चांदनी पिंकी को भी साथ ले आती है। विशाल सिक्की को रूम में जाने का इशारा करता है। सिक्की को रूम में जाते देख प्रशांत के पापा भी उसके पीछे जाते हैं। इधर चांदनी नाचते नाचते एक लड़के को टक्कर मार देती है, जिससे उसकी कोल्ड ड्रिंक सावित्री की साड़ी पर गिर जाती है। अंधा है क्या, मेरी साड़ी खराब कर दी, सावित्री कहती है। दादी जल्दी से आपके रूम में जाकर साफ कर लेते हैं, वरना आपकी साड़ी में दाग लग जाएंगे, चांदनी कहती है। चांदनी दादी को लेकर रूम में जाती है। दादी आप साफ कर लीजिए, मैं मेहमानों को देखती हूँ। ठीक है, सावित्री कहती है। चांदनी जल्दी से विशाल और राजीव के पास जाती है। चांदनी के जाते ही किशन लाल रूम में पहुंचते हैं। लड़की बना सिक्की भी वहां पहुंच जाता है। विशाल, जल्दी चलो, पिक्चर स्टार्ट होने वाली है और मुझे पिकनिक मिस नहीं करनी, जल्दी चलो, चांदनी कहते हैं। तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना चांदनी,
राजीव पूछता है, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही गलत करती हूँ? चांदनी पूछती है, क्योंकि तुम दोनों बाद में झगड़ लेना यार, अभी चलो जल्दी, विशाल कहता है। ठीक है। तीनों रूम की खिड़की के पास पर्दे की आड़ में खड़े हो जाते हैं, सिक्की गिरने की एक्टिंग करते हुए। आउच, किशनलाल उसे पकड़कर बाहों में भरते हुए, आपको चोट तो नहीं लगी? ये बुड्ढा कहां से आ गया, यहां तो प्रशांत को होना चाहिए था ना, विशाल कहता है। राजीव और विशाल चांदनी को घूरते हैं। मैंने तो प्रशांत को ही, मुझे तो पता था कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगी, राजीव कहता है। अब हम क्या करें? वो तो तुम बताओगी ना, क्योंकि ये सब तुम्हारी बेवकूफी से हुआ है, राजीव कहता है। हमें सिक्की को वापस बुलाना होगा जल्दी। तीनों सिक्की को इशारा करते हैं, सिक्की उनकी तरफ देखता है। विशाल इशारे से उसे बाहर आने को कहता है, पर सिक्की को लगता है कि ये सब उसे किशनलाल के पास जाने को बोल रहे हैं। वो किशनलाल को जोर से पकड़ लेता है। आप इतने बड़े लड़के के पिता तो कहीं से भी नहीं लगते, अभी तो जवान है। जिस तरह आपने मुझे गिरने से बचाया, वो तो कोई स्ट्रांग मर्द ही कर सकता है। मैं तो आप पर फिदा हो गई। सच कह रही हैं आप? किशनलाल पूछते हैं। अपनी तरह बेवकूफ नमूना लेकर आई हो, राजीव कहता है। आपने मुझे नमूना कहा? चांदनी कहती है। हाँ कहा, राजीव कहता है। आप कितनी खूबसूरत हो, किशनलाल कहते हैं। आप भी तो कितने हैंडसम हो, सिक्की कहता है। कितनी हॉट हो आप, किशनलाल कहते हैं। मैं अभी जाकर इस सिक्की, चांदनी कहती है। राजीव चांदनी को पकड़कर अपनी तरफ खींचता हुआ कहता है, कोई जरूरत नहीं है, बुड्ढा तो रंगीन मिजाज मालूम होता है, विशाल कहता है। सावित्री बाथरूम में बाहर आ जाती है और विशाल और सोनिया को साथ देख लेती है। आप मुझसे कब मिलोगी अकेले में, किशनलाल कहते हैं। जी, तुम्हारे हाथ कितने गोरे हैं, जी चाहता है कि इन्हें चूम लूं, किशनलाल कहते हैं। चांदनी, विशाल और राजीव आंखें फाड़ कर किशनलाल और दादी का रिएक्शन देख रहे हैं। सिक्की दादी को देख लेता है। ये क्या बदतमीजी अंकल, मेरा हाथ छोड़िए, आपने मुझे यहाँ धोखे से बुलाया और अभी? छी छी, कुछ तो शर्म करिए, आपके बेटे की इतनी शरीफ घर में शादी हो रही है और आप यहाँ? शर्म आनी चाहिए आपको, सावित्री गुस्से से। किशनलाल सिक्की का हाथ छोड़ देता है। अच्छा हुआ आप आ गई दादी, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता, सिक्की कहता है। सिक्की रोने की एक्टिंग करते हुए बाहर चला जाता है और राजीव, चांदनी और समीर के साथ आकर खड़ा हो जाता है। सिक्की, तुम्हारा काम हो गया, अब जाओ और जल्दी से चेंज कर लो, विशाल कहता है। ठीक है, सिक्की कहता है। अरे कुछ तो उम्र का लिहाज किया होता, बेटे की सगाई करने आए हो और बहू की बॉस के साथ, राम राम राम। पीछे मैं तो बस, किशनलाल कहता है। चुप करो, इतना शरीफ बेटा है तुम्हारा, अगर उसे तुम्हारी गंदी करतूतें पता चली तो बेचारे पर क्या गुजरेगी। और तुम्हारी बीवी, सबको पता चलना चाहिए कि तुम क्या हो। दादी जाने लगती हैं। किशनलाल सावित्री के हाथ जोड़ने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए बीजी, मुझे यहाँ उस लड़की ने बुलाया था। अच्छा, वो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाएगी? ये झूठ तुम बाहर सबके सामने बोलना और सफाई भी बाहर चल कर देना। बीजी, अगर आपने आज कुछ कहा तो मेरे साथ आपकी इज्जत भी उछलेगी। मेरा तो बेटा, पर आपकी तो बेटी है, अगर आज ये सगाई नहीं हुई तो आपकी पोती का क्या होगा? सावित्री कुछ देर सोचती है, फिर बाहर आ जाती है। किशनलाल भी बाहर आ जाता है। चांदनी, कभी तो दिमाग से काम किया कर, तुझे पता भी है तूने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है, विशाल कहता है। सॉरी विशाल। कोई बात नहीं विशाल, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा सुना था मैंने, आज देख भी लिया, राजीव कहता है। मतलब? दादी पिंकी से बहुत प्यार करती हैं, प्रशांत के पिता की असलियत जानकर वो पिंकी की शादी प्रशांत से करने से पहले अब 100 बार सोचेंगे। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब जो करेंगी वो दादी करेंगी। चलो, सब लोग सगाई के लिए हॉल में आ जाते हैं। लो बीजी आ गई, सगाई की रस्म शुरू करते हैं, मनोरमा कहती हैं। आओ पिंकी पुत्र, यहाँ बैठो, प्रशांत पुत्र तू भी आ जा, लाजो कहती हैं। चांदनी, क्या कर रहे हो तुम लोग, अब क्या मुझे सच में सगाई करनी होगी, प्रशांत कहता है। कुछ नहीं होगा प्रशांत, तुम जाकर बैठो, राजीव कहता है। पर जाओ प्रशांत। प्रशांत और पिंकी बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। प्रशांत की माँ पिंकी को चुनरी उड़ाती है, फिर साड़ी गहने वगैरह उसकी गोद में रख देती है। सावित्री परेशान है, वो समझ नहीं पा रही कि क्या करे।
पिंकी के माँ पापा जी प्रशांत का टीका करते हैं। विशाल चांदनी और राजीव दादी की तरफ देख रहे हैं। बेटियों ने अंगूठी पहनाओ, पंडित जी कहते हैं। सावित्री सगाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है कि समीर आ जाता है। रुक जाओ पिंकी, समीर कहता है। पिंकी खुशी से उठकर, समीर? सबकी नजर समीर पर पड़ती है। प्रशांत भी खुश हो जाता है। पिंकी की सगाई प्रशांत से नहीं हो सकती है,